नाम सो जा। और आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्वागतम गुरुदेह शरणागतम गुरुदेह, स्वागतम गुरुदेह शरणागतम गुरुदेह। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पम पुष्पमाल्यां समर्पयामि ध्यानार्थे आवानार्थे क्षतान् समर्पयामि यथार्थे ज्ञामोम चंद्रमा मनसोर्जा दुश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर मूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्र हर सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे। पूज्य सद्गुरु भगवान आसन फिर कर चुके हैं, आप लोग भी यथास्थान विराजमान हो जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान व्यासपीठ के दिव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन करेंगे गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर प्यारी आभा बड़ी सुंदर प्यारी छवि के साथ में आज व्यासपीठ की पावन दिव्य वाणी के साथ में षष्ठम दिवस की पावन कथा का श्रवण पान करते हुए जोड़ेंगे सीधा वृंदावन से पावन सेवाओं से और सतगुरुदेव भगवान के दिव्य गौरी गोपाल आश्रम परिवार से। बड़ी सुंदर पावन सेवाएं सीधा वृंदावन की पावन तलहटी में चल रही हैं और इन सेवाओं के माध्यम से आज केवल भारत वर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इन सेवाओं को दर्शन करने के लिए इन सेवाओं से जुड़ने के लिए आ रहे हैं। इस सब का श्रेय सतगुरुदेव भगवान के लिए तो जाता ही है, आप जैसे दानवीर महापुरुषों के लिए भी जाता है, क्योंकि जब आप अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हैं तब कहीं जाकर के हम ये सेवाएं कर पाते हैं, दीन दुखी असहाय लोगों का सहारा बन पाते हैं और पुण्य और आशीर्वाद कमा पाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सतगुरुदेव भगवान के लिए और उन सभी मेरे दानवीर भाई बहनों के लिए जो अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हैं
और ऐसी पावन पवित्र सेवाओं से अपने आप को जोड़ पाते हैं। आइए, बड़ा ही सुंदर आज का ये पावन दिवस है, जहां ऐसे में सद्गुरुदेव भगवान ये सभी सेवाएं कर रहे हैं, ये सभी कार्य कर रहे हैं, वहां हम भी इन सेवा कार्यों से अपने आप को जोड़ सकते हैं। ईश्वर ने जिस लायक हमको बनाया है, हम उसी के अनुसार ही सही 275 जैसे यहाँ माए रह रही हैं, हम पांच माओ का सहारा बन सकते हैं, पांच माओ का नहीं बन सकते, हम दो माओ का बन सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक माँ का सहारा तो बनी सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से जहाँ आप एक माँ का सहारा बनेंगे, वहीं आप जीवन भर के लिए इन माओ की सेवा से, इन माओ के आशीर्वाद पुण्य से और गौरी गोपाल आश्रम परिवार से भी अपने आप को जोड़ेंगे। तो आइए, मैं निवेदन करूंगा कि इन माओ के चरणों की सेवा से आप अपने आप को जोड़ें, साथ ही यहाँ रहने वाली 275 माओ की भोजन प्रसादी की सेवा भी आप अपने हाथों से कर सकते हैं। आप 275 माओ की भोजन प्रसादी की सेवा ले सकते हैं। आप ये नहीं कर पा रहे 200 माओ के लिए, 100 माओ के लिए, 10 माओ के लिए, और ये भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम एक माह के लिए मात्र 70 रुपए का योगदान तो आप दे ही सकते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप यह सेवा एक माह के लिए, अगर सामर्थ्यवान है तो दो माह के लिए, छह माह के लिए, अथवा पूरे साल भर के लिए अपने घर की रोटी के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए इन माओ के नाम से योगदान प्रदान करें और इन माओ को अपने हाथों से भोजन प्रसादी पवाते हुए पुण्य और आशीर्वाद आप प्राप्त करें। इसी के साथ में यहाँ बड़ी सुंदर पावन सेवा गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के रूप में चलती है, एकमात्र ऐसी सेवा जहाँ से हजारों ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन करने का सौभाग्य हम प्राप्त करते हैं, जो केवल और केवल ठाकुर जी के भजन के भरोसे यहाँ सीधा वृंदावन में वास कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। तो जरा सोचिए, जब आपके हाथ आगे बढ़ेंगे इन्हें भोजन प्रसादी पवाने के लिए और आपके द्वारा दिए अन्नदान से ये प्रसादी पाएंगे और दिन भर ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में अगर भजन करेंगे तो कितना पुण्य आपको उस भजन में से प्राप्त होगा। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी इन संतों के भजन में सहायक बने, दर्शन करें, वो भी मात्र 11,000 रुपए के योगदान से। इसी के साथ में यहां चलने वाली सेवा से जुड़कर आप 100 संतों के लिए, 51 संतों के लिए, 11 संतों के लिए, और ये भी संभव नहीं है तो कम से कम एक संत के लिए तो आपके घर से रोटी निकले, आपके हाथ आगे बढ़े, ताकि उस संत की सेवा से जुड़कर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसी के साथ में यहाँ सीधा वृंदावन में चलती है गौरी गोपाल रसोई, जिसके बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है, इतनी सुंदर विशाल दिव्य रसोई जहाँ से लगभग 30,000 से 40,000 लोगों को भर पेट प्रतिदिन यहाँ बिना किसी नागा, बिना किसी छुट्टी के भोजन प्रसाद व्यंजनों युक्त रसोई के माध्यम से प्राप्त होता है। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए इस पावन रसोई के लिए, जिससे जुड़ करके हमें पुण्य कमाने का सुअवसर मिलता है और एक ही जगह से एक ही समय पर 30,000 से 40,000 लोगों को अन्नदान के माध्यम से प्रसाद पवाते हुए पुण्य कमाने का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आप कुछ अच्छा कार्य करना ही चाहते हैं तो क्यों ना आप एक दिन की सेवा रसोई के रूप में करें, वो भी मात्र 31,000 रुपए के योगदान से, और आप मात्र 31,000 रुपए के योगदान से हजारों लोगों को अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अथवा अपने पूर्वजों के नाम से भोजन प्रसादी पवा दें, पुण्य के भागीदार बने। इसी के साथ में अन्यत्र सेवाएं संत निवास कार्य के लिए आप भूमि दान कर सकते हैं, गौ माताओं की पावन सेवा से जुड़ सकते हैं, और बड़ी सुंदर अति पावन पवित्र सेवा तुलादान की पावन सेवा आप गौ माताओं के लिए तुलादान कर सकते हैं हरे चारे के रूप में, अथवा यहाँ अन्य क्षेत्र की पावन सेवा में आप खाद्य सामग्री, चाहे वो आटा, नमक, दाल, चावल, चीनी इत्यादि हो, आप पंचमेवा इत्यादि के रूप में भी आप खाद्य सामग्री तुलादान के रूप में कर सकते हैं। तुलादान करने का बड़ा ही सुंदर पावन महत्व होता है। ऐसे में कहते हैं कि जो भी तुलादान करते हैं उनके पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी तुलादान करें और इन गौ माताओं के लिए अथवा अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए तुलादान करते हुए आप अपने आप को जोड़ें। इसी के साथ में रसोई की पावन सेवा के साथ में गौ माताओं की सेवा से जुड़कर आप गौतान की पावन सेवा कर सकते हैं, गौचारण भूमि की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, और इसी के साथ में निर्माण कार्य जो यहाँ निरंतर हो रहा है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो एक कमरा मात्र 5,00,000 रुपए के योगदान से अथवा किसी एक कमरे की छत के लिए मात्र 51,000 रुपए आप प्रदान कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तुलादान की पावन सेवा यहाँ चल रही है, तुलादान की पावन सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ें और पावन पुनीत कार्य में सहभागी बनकर के पुण्य आप प्राप्त करें। आइए, इन सेवाओं के लिए किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने न केवल अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए बल्कि अपने आप को इन पावन सेवाओं से जोड़कर पुण्य की प्राप्ति की है। नाम सुनेंगे ऐसे दानवीर महापुरुषों के। आज की श्रेणी में
गीत शंकर आप चेन्नई से सभी सेवाओं के लिए आप 79,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां गीत शंकर जी के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए, पुण्यों से आशीर्वाद से अपने आप को जोड़ रहे हैं। वहीं सुभाष चंद्र जी गौर अलवर आईसान से 50,000 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कुमार जी बेंगलुरु से 25,000 रुपए, देवकी देवी आप नैनीताल से 21,000 रुपए, मंदीप सिंह जी सिरवद आप दिल्ली से 25,000 रुपए, राजीव मंगल शाह जी 11,000 रुपए, लक्ष्मी यादव जी आप उदयपुर आईसान से 11,000 रुपए, पूनम जी खन्ना मुंबई से 11,000 रुपए, साथ ही हरमेश चंद्र जी डोंगरा मोहाली पंजाब से 11,000 रुपए, नरेंद्र कुमार जी सिरसा से 11,000 रुपए, विमला देवी दिल्ली से 11,000 रुपए, रामदेव कुमार जी मेहता शीला देवी आप शादी की साल के उपलक्ष्य में धनबाद से 11,000 रुपए, अशोक जी रामकृष्ण जी नागपुर से 11,000 रुपए, शीला कौशल जी मेरठ से आप 11,000 रुपए, वीरेंद्र कुमार नीतू कुमारी सरसा बिहार से 11,000 रुपए, माया सिन्हा जी पटना बिहार से 11,000 रुपए, रमेश जी मदनवाल गोरखपुर से 51,000 रुपए, रवि कांत जी खुराना 51,000 रुपए, सहज जी फलोदा आप 51,000 रुपए, भरत यादव जी इंदौर से 51,000 रुपए, अरुण यादव जी आप हिंस देवी दरभंगा बिहार से 4,222 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में पुष्पा जी गुप्ता बड़ोदरा गुजरात से 4,000 रुपए, कमल कुमारी ग्वालियर से 4,000 रुपए, निमावत जी आप रूसी कैश आप भरत भाई जी अहमदाबाद से विजय सर, राजकुमारी करण देवी बलिया से विजय सर, प्रियांशु सिंह दिल्ली से, राघव जी राज ठाकुर आप भोजपुर बिहार से विजय सर के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं संजय निर्मल प्रतापगढ़ से 21,000 रुपए, केदार मुखिया जी समझपुर बिहार से, नरेश कुमार जी साहू आप दिल्ली से, भगवान दास वर्मा जी आप दिल्ली से 21,000 रुपए, सुरेश कश्यप जी मुंबई से, अनमोल चौरसिया चंपारण बिहार से 21,000 रुपए, रीमा सिंह जी पटना बिहार से, शील कौशिक जी आप मेरठ से विजय सर कृपन 2,500 रुपए, इंद्र सिंह जी सामद आप चंपावत से विजय सर, विन्द्र प्रसाद जी बलरामपुर से, राजवाला जी देहरादून से, कौतुक जी पटेल आप उड़ीसा से, लक्ष्मी बाजी चौहान आप ग्वालियर से, जयंती खरे आप दमो से, मुन्ना प्रसाद शर्मा आजमगढ़ से, बंसीलाल शर्मा हमीरपुर से 3,100, पूनमचंद वैष्णव जोधपुर राजस्थान से, शुभम जी भट्टा बेंगलुरु से 2,100 रुपए, 2,000 रुपए आकाश गंगाधर प्रदान करें, भावेश शुक्ला रवि सिंह जी करौली राजस्थान से, प्रियंका त्रिवेदी आप कोला से, मावी प्रसाद आप प्रसाद गुप्ता राजस्थान से 2,000 रुपए, मंजू सिन्हा जी मुजफ्फरपुर बिहार से, नाथू राम राज गुजरात से 3,100 रुपए, अंजू राजे जी गुजरात से 21,000 रुपए, संसार पाल जी गाजीबाद से, संतोष कुमारी या पालगढ़ से 21,000 रुपए, नीलम कुमारी समस्तीपुर बिहार से, संजू देवी दृष्टिया प्रतापगढ़ से, पद्मनी वर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, जगदीश सोनकर जी थाने से 2,501 रुपए। इसी श्रेणी में पायल जी गुप्ता आप रायपुर से आप 21,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं, आरती शर्मा बिहार से, रिशांत राज सीतामणि बिहार से, आशा देवी आप दिल्ली से, पायल गुप्ता रायपुर से 21,000 रुपए, पटेल गमन भाई जी गुजरात से, विक्रम जी मिश्रा मुंबई से, लेंसी आप संख लीचा मुंबई से 2,500 रुपए, मयंक मराठ से 3,100 रुपए, श्रद्धा देवी मीना कुमारी पानीपत से 2,100 रुपए, रंजन सिंह जी बेटी के नाम से पटना बिहार से विजय सह के हाथ आगे बुला रहे, नवल किशोर जी नागर राजस्थान से, विमला देवी फरदाबाद से, अंजू झा बिहार से, डब्बल नेगी आप दिल्ली से, धोनीलाल जी ठाकुर आप दिल्ली से विजय सह के हाथ आगे बढ़ा रहे, मोतपाल जी हरियाणा से आप विजय सह, मनसा देवी आप दिल्ली से 3,100 रुपए, प्रेम लता शर्मा जी प्रेम शर्मा जी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आप 11,111 रुपए, नंदराम जी कुशवाहा ग्वालियर से विजय सह, मोहनलाल जी शर्मा पठानकोट पंजाब से, शाह पठानकोट पंजाब से, हेमल जी महाकुर अवंती महाकुर जमशेदपुर झारखंड से 11,000 रुपए, साहब सिंह जी दिल्ली से 3,100 रुपए, कमल सिंह जी आप दिल्ली से नई दिल्ली से 11,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में सरता शर्मा जी आप बीकानेर राजस्थान से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र की बावन से बगली, विभिन्न शर्मा जी सुखाबाद से 11,000 रुपए, कौशिक फरबर फरदाबाद से आप प्रदान कर रहे हैं 3,200 रुपए, सुरेश जी कौशिक फरदाबाद से आप 11,000 रुपए, अन्य सेवाओं के लिए वीरेंद्र सिंह जी उर्मिला जी अलीगढ़ से 21,000 रुपए, अजय सिंह गांधी झावर आप महाराष्ट्र से विजय सर, आरुष जी आप प्रेम जी झावर आप महाराष्ट्र से विजय सर, हर्ष जी बलरा आप बलगराज महाराष्ट्र से विजय सर, किशोर विजय राजीव परिवार आप मध्य प्रदेश से प्रदान कर रहे हैं गुप्तदान 10,000 रुपए, मध्य प्रदेश से मधुबला जी राजस्थान से विजय सर, राजकुमारी बल्लभगढ़ से जीवल विमला जी बत्रा आप सोनीपत से, सौरभ शर्मा जी डिम्पल शर्मा जी आप गाजियाबाद से, महावीर प्रसाद जी गोले आप नरेला दिल्ली से 2,100 रुपए, कृष्णा देवी कोट राजस्थान से 11,000 रुपए, लक्ष्मी रानी शांति रानी आप आगरा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में साहब सिंह जी आप दिल्ली से, अन्य क्षेत्र की बावन से बगली, रसोई के लिए 31,000 रुपए, शशि पाठक जी जौनपुर से 11,000 रुपए, कृष्णा जी बुलंदसर से विजय सर, दासी मनु यादव जी आप रेवाड़ी से विजय सर, रामप्रसाद यादव जी आप रामेश्वरी देवी अयोध्या से आप 2,100 रुपए, विशेष जी भगवती साम जी आप छत्तीसगढ़ से 11,001 रुपए, कुमकुम सुधीर शुक्ला अयोध्या उत्तर प्रदेश से, कुसुम सुखदेव मिश्रा अयोध्या से विजय सर, कोमा जी रामगढ़ से विजय सर, कृष्णा चौधरी कल्याण से विजय सर, सपन कुमार आप लोनी आप से प्रदान कर रहे हैं 5,101 रुपए, अन्य क्षेत्र बावन से बगली है, सुधा रानी दास असम से 2,000 रुपए, अन्य क्षेत्र बावन से बगली, पुरू रानी जी असम से विजय सर, लक्ष्मी हरियाल का गुवाहाटी से 2,100 रुपए, देवदत्त सिंह जी रानी देवी नई दिल्ली से 51,000 रुपए सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में रामचंद्र जी तेजवान जी लक्ष्मी नगर से आप 25,000 रुपए आप दिल्ली से, रामचंद्र जी लक्ष्मी देवी दिल्ली से 25,000 रुपए, साथ ही आप 21,000 रुपए एक माह के आजीवन सेवा के लिए और 11,000 रुपए आपने अन्य क्षेत्र बावन सेवा के साथ में गोदान के लिए 25,000 रुपए दिए हैं, आपके लिए बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्रीमती गीता सक्सेना उन्नाव से 11,000 रुपए, सुमन जी आप शुक्ला उन्नाव से विजय सर, सुमन जी नरोला आप फिरोजपुर से दान करें 2,000 रुपए, प्रदीप प्रमोद कुमार जी सविता जी जयपुर से 25,000 रुपए, गोदान की बावन सेवक जी चंद्रमोहनी और रिया से 11,000 रुपए, अलका जी गुप्ता अलवर से विजय सर, अन्न जी आप दान करें, अनंत जी प्रकाश जी गोला अम्बाला से 2,600 रुपए, मीना जी गाजियाबाद से 11,000 रुपए, श्रवण शर्मा जी जगतपुरा जयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी बिहार से, शिवकली जी आप प्रयागराज से, राजेश देवी
कीर्तन मंडली आप दिल्ली से किसो बेम माधुरी राय आजमगढ़ से क्यों मसूबे सुदाजी पांडे पठानपुर से आप मऊ से आप ₹500 शब्द जसवाल आप पीलीभीत से ₹500 सतीश चंद्र जी आप राया से मथुरा से ₹2,100 दे रहे हैं। इसी श्रेणी में देवकृष्णा तिवारी आप छत्तीसगढ़ से भेजे निमिषा जगदीश जी अहमदाबाद से ₹1,100 विकास कुमारी केरल से भेजे मधुजी सुदाजी नैडिया बनारस से भेजे किशन चंद जी जलगांव से ₹1,100 प्रिया जी राकेश जी लखनऊ से आप ₹1,100 और ₹5,000 सेवाओं के लिए शीला जी टंडन आप लखनऊ से ₹2,000 क्षेत्र की 52 सेवा के लिए शीला देवी जी ऋषिपाल शर्मा जी करनाल से ₹2,100 और दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण हैदराबाद से ₹11,000 अन्य क्षेत्र के लिए और ₹10,000 अन्य सेवाओं के लिए आप दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा के नाम से हैदराबाद से जोड़ रहे हैं। शांति देवी बासापुर से आप ₹8,000 गीता दया की बासापुर से विजय सर कमला बहन जी शंकर बारी पटेल गुजरात से ₹2,000 यूपी लाल मीराबाई जी दुर्ग से आप ₹11,122 आप दे रहे हैं। सगुदा देवी लुधियाना से ₹36,000 गुप्तदान लुधियाना से ₹11,000 नीरज जी भाटिया सादा दिल्ली से ₹2,100 मनोहर सक्सेना बदली से आप ₹2,100 और यादव जी रामगढ़ से आप विजय से जसुबेन बालू भाई जी सूरत से ₹5,001 दे रहे हैं। साथ ही जसुबेन बालू भाई जी गुजरात से ₹50,001 का योगदान आप सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमला भाई जी स्वर्गीय रामराज जी के नाम से छत्तीसगढ़ केसर देवी राजस्थान से चंद्राजी जोधपुर राजस्थान से आशा देवी झारखंड से आप ₹11,000 राजा जी बिहार से विजय से ओमद देवी शर्मा धर्मपति किशन सिंह प्रसाद आप सागर से ₹40,000 सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं। प्रमोद कुमार जयपुर से आप ₹21,000 राजेंद्र प्रसाद जयपुर आप ₹25,000 देवी प्रेम त्रिपाठी छत्तीसगढ़ से ₹3,100 शब्द त्रिपाठी आप विजय से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सकुदा देवी कासगंज से विशेष सर के हाथ बड़े रामबाबू जी आप राधा वैष्णव जी बलोदा से आप विशेष सर रत्न अग्रवाल जी ग्वालियर से सूरजपाल जी आप दिल्ली से कृष्णलाल बबीता जी बुलंदसर से आप एक राजा जी दिल्ली से विजय सर सुकुमार भाई जी आप विशेष सर बंदपाल जी बुलंदसर से रामबाई यादव जी आप कन्नौज से राधा जी वृंदावन से ₹11,000 अंजू जी अनेजा अमृतसर पंजाब से ₹3,200 ₹2,000 आप दान करें। सेनाथ गोयल जी अमृतसर से ₹7,000 कुस्तम यादव जी फरुखाबाद से विजय सर दान कंवर जी चोर राजस्थान से ₹5,100 सुमीर कंवर जी चोर राजस्थान से विशेष सर के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में हरिओम बेल्डिंग वर्कशॉप आप कोरबा से विजय सर वी आई योगी परमेश्वर साहब जी कोरबा से विजय सर साधी दिल सिंह जी याऊ आप साहू विजय सर दयाराम जी गाजियाबाद से सीमा देवी जम्मू से जतिन अरुण आप दिल्ली से ₹3,100 राम नरेश यादव जी लखनऊ से आप विजय सर के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में संजय सोनार आप ग्रीडी आप ₹2,500 रेवाराम जी देवांगन आप ₹2,000 पंचराम साहू जी विजेता स्वर्गीय सुखीराम साहू के नाम से प्रेमचंद साहू जी आप छत्तीसगढ़ से किस्तु खिलावंसर वर्मा आप धर्म आप सरफ श्री पलटन वर्मा छत्तीसगढ़ से ₹3,000 दे रहे हैं। सुमन देवी बिहार से आशीष चंद देव बिहार से राम कुमार कोट क्षेत्र से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवी महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए पावन सेवाओं से जोड़ा पुण्य लाभ अर्जित किया ऐसे सभी दानवी महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहां बैठे हैं अथवा संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पावन सेवाओं के दर्शन आपने किए दानवी महापुरुषों के आपने नाम सुने मैं चाहूंगा कि आप इन पावन सेवाओं से जुड़े और केवल जुड़े ही नहीं पुण्य और आशीर्वाद आप स्वयं तो प्राप्त करें पूरे परिवार को इस श्रेणी से जोड़े। आइए जो लोग यहां बैठे हैं उनके लिए काउंटर यहीं लगा है जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर और QR कोड दिखा जाता है ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ तक ये बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। अब आइए चलेंगे आज की मधुर मंगल में बेला की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। संतों के संग बैठ बैठ कर श्याम का रंग चढ़ाया, खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, ओ आ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हो 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 हो, मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया, हाँ संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया, खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया, हाँ खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, हो 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 हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। Thank you.
कष्ट उठाए राधे रहते तेरा ने कितने कष्ट उठाए सहे दुख लाखों ही उसने विष को विष को विष को कंठ लगाए सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए विष भी हुआ है अमृत देखो ओ, 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 ओ मीरा मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई घुंघरू धूमे नाचे गाए अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में अरे दिल में रहे बसाए अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए आओ मेरे श्याम सवरिया हो आहा मीरा रहो मीरा रहो दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई ओ भर दे रे भर दे रे ओ भर दे रे भर दे रे ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ बातों में ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ शरणम मम श्री कृष्ण 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 कृष्ण 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 श्री कृष्ण शरणम मम हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई शाम रंग की रंगी चुनरिया हो 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 दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी
मस्तानी हो गई रे, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की विशेष कृपा से हम सब भगवान की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं और आप सभी सात दिन के लिए आज यहां पर सात दिन के लिए आप आए और आज छह दिन पूरे हो रहे हैं। पता ही नहीं लगता समय का कि किस तरह बीत जाता है। ये जीवन में सबसे फास्ट चलने वाला समय है। समय ऐसा है रुकता ही नहीं। घड़ी का सेल भले ही बंद हो पर घड़ी की टिक टिक बंद सेल में भी चलती ही रहती है। हाँ या ना, सेल भले फ्यूज हो गया हो, खत्म हो गया हो, खराब हो गया हो, घड़ी भले बंद होगी पर समय बंद नहीं हो सकता। समय तो सरकता ही जा रहा है। सरकते हुए समय के कारण नाम पड़ गया संसार। जो सरक रहा हो, संसार क्यों कहते हैं, जो सरक रहा हो उसे संसार कहते हैं, क्योंकि संसार रोज सरक रहा। सरक रहा मतलब आगे बढ़ रहा। लोग बोलते ना, थोड़ा आगे सरको, सरक रहा। सरक रहा मतलब बढ़ना। कहां बढ़ना? आगे की ओर। समय ने क्या क्या किया? आप वृंदावन आए, किसने पहुंचाया आपको? फलानी तारीख को जाना है, फलाने समय में घर से निकलना है। समय होते ही आप निकले, समय होते ही यहां पहुंचे, समय होते ही एक बजा, तो एक बजे की टिक टिक ने आपको हमें यहां बिठा रखा है। समय होगा चार बजे का, हम सब यहां से उठने की तैयारी कर रहे होंगे। तो समय ही सब कुछ कराता है। हम तो समय की कठपुतली हैं। समय ही आपको यहां बिठाएगा और समय ही आपको, तो समय जो है बड़ा मायने रखता है। इसलिए समझदार लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उसको जरा भी दुरुपयोग में बर्बाद नहीं होने, उसका दुरुपयोग नहीं करते। जैसे कि हमारे मैया श्रीमती विनीता मैया श्री अनिल किशोर अग्रवाल जी, जो भागवत के परीक्षित बनकर बैठे हैं, इन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया कि भागवत भी सुनी, अन्न क्षेत्र भी बंटवाया, गौदान भी की, आज तुला दान भी किया बच्चों का। तो अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग क्या है कि हमारा धन भी भगवान से जुड़े, मन भी भगवान से जुड़े, समय भी भगवान से जुड़े। इसलिए अच्छे कार्य, जो समय भगवान से जुड़ गया, अच्छे कार्य से जुड़ गया, भलाई से जुड़ गया, वही समय सार्थक है। जो समय निंदा में भी, अब देखो आप लोग दो दो घंटे निंदा बैठे रहते हैं चौराहे में, नुक्कड़ में, कहीं भी, और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उसकी बुराई, उसकी निंदा, तो व्यर्थ में समय जा रहा है ना। घंटों आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उसके बारे में, तो ये समय वेस्ट हो रहा है आपका, बर्बाद हो रहा है। वही समय आप पढ़ने में लगाते, कुछ गीता पढ़ लेते, रामायण, कुछ अच्छी बातें कर लेते, अच्छा सुन लेते, अपने लिए अच्छा प्लान कर लेते, कुछ बिजनेस कर लेते, व्यापार कर लेते, अपने लिए ही कुछ भला, अपनी पत्नी को समय देते, पत्नी के पास रहते, बच्चों के पास रहते। समय आप बर्बाद करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि समय जो है लौट कर नहीं आना। पैसे से संसार की हर वस्तु शायद मिल जाए, पर पैसे देकर समय नहीं मिलेगा। समय बर्बाद करके आप करोड़ रुपए कमा लो,
लेकिन वो करोड़ों देकर फिर आप एक मिनट का समय खरीद नहीं सकते। एक करोड़ रुपए कमाने में कितना समय जाएगा जरा बताओ, एक करोड़ रुपए कमाने में कितना समय जाएगा, उत्तर दो। एक करोड़ रुपए कमाने में कितना समय जाता है? कई लोगों की तो जिंदगी चली जाएगी एक करोड़ कमाने में, कई लोगों का 10 साल चला जाएगा, 20 साल चला जाएगा, किसी का साल भर, किसी का ज्यादा। बड़े लोग हैं तो वो महीने में कमा लेंगे, और बड़ा आदमी है तो एक दिन में ही कमा लेगा करोड़ रुपया, हाँ या ना? तो आप बस ये समझो, करोड़ रुपए की बात करो या लाख रुपए की बात करो या 1000 रुपए की बात करो, हम तो केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए आप एक महीना में कमाते हैं या 1 साल में कमाते हैं या 10 साल में कमाते हैं। अब जरा बताओ कि आपने 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए जब 10 साल में कमाए तो क्या वो 1 करोड़ रुपए देकर आप 10 सेकंड खरीद सकते हैं? जिस पैसे को कमाने में आपने 10 साल दिए, जिस पैसे को कमाने में आपने 10 साल दिए, वो सारे पैसे देकर आप 10 सेकंड खरीद नहीं सकते। ये बात सही है कि गलत है? अब आप बताओ कि पैसा कीमती है या समय कीमती है, क्या कीमती है? लेकिन आप सारे लोग, समय ईश्वर ने दिया है, समय सबसे अनमोल है, लेकिन आप उस समय को पाकर भी रो रहे हैं। समय पाकर भी आप रो रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? पैसे की वैल्यू कितनी है साहब? 100 करोड़ में भी आप 1 सेकंड खरीद सको तो खरीद के दिखाओ। क्या जिनके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, यदि उनके पास समय खरीदने का कोई हिसाब होता तो वो मरते ही ना, खरीदते जाते, क्योंकि लोगों के पास तो, कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है। बिल गेट्स के पास क्या कमी है, है ना? क्या संपत्ति की कमी है लोगों के पास? फिर भी समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिनके पास बहुत पैसा है, समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो यदि आप बहुत डीप में, बहुत गहराई से मेरी बातों को समझें तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि सबसे बड़ा सुख पैसे में नहीं, सबसे बड़ा सुख समय के सदुपयोग में है। समय का सदुपयोग यदि आपको करना आ गया तो आप सुखी हैं, और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो करोड़ों होने के बाद भी आप सुखी होंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या करोड़ों वाले लोग दुखी नहीं हैं? आत्महत्या लोग कर लेते हैं वो लोग जिनके पास करोड़ों थे। इसलिए समय बलवान है, सही समय पर सही निर्णय ही आपको सफल बनाएगा। पूरा टाइमिंग का खेल है समय। आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, क्रिकेट पूरा समय पर निश्चित होता है। बॉलर ने बॉल फेंकी और वो बॉल फेंकी है, उसके हाथ घूमने से बॉल उसके हाथ से छूटकर स्टंप तक जाने में वो समय है, उस समय को उसने देख लिया तो उसने मारा, और यदि चूक गया उस समय को, टाइमिंग चूकी, आउट, और टाइमिंग से उसने बॉल में मार दिया तो छक्का भी, चौका भी, रन भी, और टाइमिंग जरा मिस हुई, हाँ या ना? पूरा खेल किसका है? टाइमिंग का, टाइम का। कहीं भी आप देखिए, पूरी सृष्टि को छान लीजिए, पूरा खेल टाइमिंग का है। इसलिए टाइम का सदुपयोग करना,
बहुत समझदारी है और टाइम का दुरुपयोग करना बहुत बड़ी मूर्खता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये तो समय का खेल है मेरी माँ। पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। समय कभी अर्जुन को जिताता है, अर्जुन महाभारत जीत गए, हाँ या ना, हाँ या ना, अर्जुन महाभारत जीत गए और जंगल के कोल भीलों से हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, कर्ण जैसे योद्धा को पराजित करने वाले अर्जुन, पितामह जैसे योद्धाओं से युद्ध करने वाले अर्जुन किससे हार गए? जंगल के कोल भीलों से। क्यों क्यों हार गए अर्जुन? क्योंकि अर्जुन का समय जब अच्छा था, समय ने जिताया तो जीत गए, समय ने हराया हार गए, वो भी समय था ये भी समय है, कभी जीत तो कभी हार। कभी आदमी 56 भोग खाता है तो कभी बासी रोटी भी नसीब, किसका खेल है बोलो? बलवान कौन है, कदर किसकी करनी है, बड़ा कौन है, पैसा या समय? इसलिए पैसे के लिए अपना व्यर्थ का पैसे कमाओ, मना ही नहीं है, पैसे तो कमाना ही है, पर समय का फिर भी सदुपयोग करते हुए। पैसा किसके लिए कमाएं? पैसा कमाना भी भक्ति बन जाएगा। कब? एक आदमी पैसा कमाता है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, महंगी महंगी शराब पीऊंगा, है ना, स्त्रियों को ले आता है पैसों से खरीद कर अपने घर में नचाता है, ये सब पैसों से होता है साहब। एक तो पैसे का ये उपयोग है कि आप महंगी शराब पैसों से खरीद कर पी सकते हैं, एक तो ये पैसे का उपयोग है बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा नाम बड़ा रुतबा, बड़े बड़े पैसे वाले स्त्रियों को ले आते हैं अपने घर में, एक तो पैसे का ये काम है, और दूसरा ज्यादा पैसा आया किसी के पास तो उसने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी, किसी गरीब बेटी का विवाह कराया तो किसी भूखे को रोटी दिया, तो किसी के छत नहीं थी तो घर उसका बनवा कर उसको छत दे दिया, किसी के बच्चे पढ़ने में योग्य थे पर पैसा नहीं था तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, तो उसने पैसा आया तो समाज की सेवा की, सबको उसकी जरूरतों का सामान लाकर दिया कि ईश्वर ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो सबकी सेवा। तो पैसा दो लोग कमाते हैं और दो लोग खर्च करते हैं, एक वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और सुरा और सुंदरी में खर्च करते हैं, और दूसरे लोग जो पैसा कमाते हैं और समाज की सेवा में खर्च करते हैं। खर्च दोनों का हो रहा है, पर एक का पैसा उसे नरक ले जाएगा, दूसरे का पैसा उसे मोक्ष का अधिकारी बना देगा। ये पैसा ही नरक ले जाने वाला है और ये पैसा ही स्वर्ग ले जाने वाला। पैसे से ही व्यक्ति अच्छे कार्य करके वैकुंठ जा सकता है और बुरे कार्य करके व्यक्ति नरक का गामी हो सकता है, हाँ या ना। इसलिए पैसा कमाओ पर उसका सदुपयोग करो। सत्यनारायण भगवान की आपने कथा सुनी होगी, उसमें एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे थे, एक लकड़हारा आया, बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। लकड़हारा बोला क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर आप भी कर सकते हैं। तो लकड़हारा ने प्रसाद लिया और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। आज सोच कर गया कि लकड़ी बेचने के जो पैसे मिलेंगे उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, आज उसे लकड़ियों के दुगने की लकड़ी बिकी।
रोज 10 रुपए की बिकती थी, आज 20 रुपए की बिकी। रोज 100 रुपए की बिकती थी तो आज 200 रुपए की बिकी। क्यों? क्योंकि रोज वो अपने लिए करता था, आज उसने अपने साथ भगवान के लिए कुछ करने का सोचा तो तुरंत इनकम डबल हो गई। क्या मैसेज है? जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो तो सीधा जो कमा रहा है वही है, पर जो परोपकार की भावना से कमाता है भगवान उसको डबल तिबल देना स्टार्ट कर देते हैं कि तो तेरे मन में परोपकार के विचार हैं, परोपकार की भावना। इसलिए परहित सरस धर्म नहीं भाई, इसलिए सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा, जो कि गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं अपनी आंखों से। वो समाज की सेवा ही मानव का धर्म है। और ये सेवाएं केवल आपको मैसेज देने के लिए हैं कि आप भी आएं और देखें और आप भी सेवाएं करें। गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों को भोजन, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों के लिए संत निवास बन रहा है, कार्य शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े सेवाएं निरंतर चल रही हैं, 275 माएं रह रही हैं, अन्य क्षेत्र अखंड सुबह से शाम तक भरपेट भोजन की रसोई चल रही है, ये सेवाएं ही तो हैं। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है समय का सदुपयोग किया करिए। व्यर्थ में निंदा चुगली में मत उलझा करो, है ना, किसी की आलोचना मत किया करो। श्री हमारे यजमान परिवार बेटा श्री प्रिया अमन किशोर अग्रवाल जी, बड़े प्रेम से आज आपने तुलादान किया और आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी देखिए धर्म से, कथाओं से, सत्संग से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, आज की आधुनिक पढ़ाई पढ़े बैठे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब आज की आधुनिक पढ़ाई है। तो ये आधुनिक चीजें पढ़कर भी हम धर्म से जुड़े रहें, ये हमें प्रत्येक व्यक्ति से सीख लेना चाहिए। बेटी आपकी यजमान परिवार की बेटी दामाद प्रांशु ईशांत अग्रवाल अद्रित जी, पोता आर्षव अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार बरेली से आप आए, प्रेम पूर्वक भागवत सुन रहे हैं और अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। यहाँ भागवत जी का पाठ कराने के लिए सैकड़ों परिवार, कुछ घर पर कुछ यहाँ आकर भागवत जी का पाठ करा रहे हैं अपने पितरों के लिए पोथी पाठ। अभी 27 मार्च से फिर बैठेंगे, आप भी अपने पितरों के घर की सुख शांति समृद्धि के लिए पाठ चाहें तो करा लें। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन। ये जो गोवर्धन है ना, ये गोवर्धन को भगवान ने इसलिए उठाया ताकि समाज को मैसेज मिल जाए। मैसेज किस, क्या ये गोवर्धन कौन है, कहां से आए? द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन। जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा के बंदर भालू रख रहे थे समुद्र में, तो हनुमान जी हिमालय से गोवर्धन को लेकर आए। तो ये वहां ले जाके रखने वाले थे सेतु में, तब तक खबर आई कि भाई सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसने जो पत्थर जहां ले रखा है वहीं रखे, क्योंकि यहां ले आओगे तो बेवजह पत्थर पत्थर हो जाएंगे, पहाड़ी पहाड़ हो जाएंगे। तो हनुमान जी को जब सूचना मिली तो हनुमान जी गोवर्धन को लेकर उस समय ब्रजमंडल के ऊपर ही पहुंचे थे, यहीं हनुमान जी ने कहकर लाए थे गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन अपने परिवार में कहां पहले थे? हिमालय में परिवार के साथ। तो इन्होंने बोला कि राम की सेवा में ले चल रहा हूं हनुमान जी, तो गोवर्धन जी तैयार हो गए, चलो। पर जब बाद में हुआ कि नहीं जी, अब तो वहां भी नहीं पहुंचना, अब तो ना घर के रहे ना घाट के, तो गिरिराज जी रोने लगे कि आपने हनुमान जी हमारे साथ तो बड़ा गलत कर दिया। तब हनुमान जी ने भगवान राम से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु ये आपके परम भक्त हैं, अपने परिवार को छोड़ा है आपके लिए, ये आपकी सेवा में लगना चाहते हैं कि आपके चरण भी जब आप गोवर्धन के ऊपर चल करके आप जब ये सेतु में लगेंगे तो आप ऊपर चल के जाएंगे, तो ये आपके चरण स्पर्श से ही
कृतार्थ होंगे। राम जी ने कहा, हनुमान जी गोवर्धन जी को वहीं व्रजमंडल में स्थापित कर दो, हम द्वापर में कृष्ण बन कर आएंगे, तब इनके त्याग का ऋण चुकाएंगे और इनकी सेवा करेंगे, इनका मनोरथ तब पूरा करेंगे, अपने चरण धोली इनके मस्तक पर तब पहुंचाएंगे जब कृष्ण कन्हैया बनकर आएंगे। तो रामा अवतार, राम अवतार की कुछ लीलाएं कृष्ण अवतार में जाकर पूरी होती हैं। गिरिराज जी त्रेता से यहां विराजे हैं। त्रेता मतलब तब से जब राम जी रावण को मारने के लिए वहां सेतु का निर्माण कर रहे थे, प्लानिंग थी, तो ये यहीं स्थापित कर दिया। फिर कृष्ण आए और इनकी तलहटी पर गैया चराकर, बछड़े चराकर, इनकी परिक्रमा लगाकर मानसी गंगा, गिरिराज जी के पास जल की कोई व्यवस्था नहीं थी बहुत ज्यादा, तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की, मानसी गंगा का स्मरण किया, उस मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया था। आज भी मानसी गंगा गिरिराज जी में विराजती है। तो गिरिराज जी में जो मानसी गंगा है वो भगवान के मन से प्रकट की हुई गंगा है, इसलिए उनका नाम पड़ा मानसी गंगा। अब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तुमने हमारे लिए सब कुछ त्यागा है, तुम हमारी सेवा के लिए आना चाहते थे, तुम हमारी चरण रज चाहते थे, तो हम तुम्हें अपने माथे पर सुशोभित करेंगे। कृष्ण जी ने उठा लिया एक उंगली से गोवर्धन, गोवर्धन उठाया क्योंकि भगवान, अच्छा भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है, क्या मैसेज मिला आपको इससे? हाथ पर किसे उठाया है? पहाड़ को। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज है आपके लिए? क्या सीखा आपने इससे? पता नहीं, भगवान ने गोवर्धन को हाथ में उठा रखा है, क्या मैसेज है आपके लिए? नहीं, आप बताओ, सबकी भलाई ठीक है, आप बताओ क्या मैसेज है आपके लिए? भगवान का गोवर्धन हाथ में उठाना क्या है आपके लिए? आप बताएं प्रभु। भैया जी हाँ हाँ हाँ, आप, भगवान ने गोवर्धन हाथ में उठा रखा, क्या मैसेज है आपके लिए? हाँ? बहुत सिंपल, जरा दिमाग लगाएंगे तुरंत उत्तर सामने है। भैया आप, हाँ? भगवान ने गोवर्धन को हाथ में उठा रखा है, मानो समाज को मैसेज दिया है कि इन पर्वतों को, इन पहाड़ों को हाथ में उठाना मतलब इनका संरक्षण करते रहना, इनकी देखरेख करते रहना। हाँ, मतलब आज से 5,500 साल पहले भगवान ने बता दिया था कि पहाड़ों का, जंगलों का संरक्षण करना, बचाना, क्योंकि ये प्रकृति बचेगी तो आप और हम बचेंगे, लेकिन उस मैसेज को लोग नहीं मानते, सारा उजाड़ते चले गए, इसी के कारण आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, कहीं अधिक सर्दी तो कहीं अधिक गर्मी तो कहीं अधिक बारिश, ओजोन परत में छेद हो जाना, कहीं आज बड़े बड़े शहरों में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। आप बताइए, आज आपके पास ना तो शुद्ध हवा है ना तो शुद्ध पानी है, है? जबकि भगवान ने कालिया नांग को वहां से विदा करके शुद्ध पानी का मैसेज दिया कि भैया पानी का संरक्षण करना, जल ही जीवन है। कालिया नांग ने जल गंदा किया तो भगवान ने कालिया नांग को विदा की, चल तूने जल को गंदा किया है, चल। तो वो जल के संरक्षण का मैसेज था कालिया नांग की जो लीला थी, काली देह पे खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हे। हमारे कन्हैया की जिन लीलाएं हैं ना, ये केवल कथाएं सुनने के लिए नहीं कि हमने सुना हमारे पाप कट जाएंगे, है ना, पाप तो कट ही जाएंगे, बात ठीक है, लेकिन उनसे मैसेज भी तो लेना है ना।
सदियों तक मैं जब तक ये धरती रहेगी तब तक कृष्ण के मैसेज समाज के काम के हैं, प्रकृति के काम के हैं। इसलिए हिंदू पहाड़ों की पूजा करता है, दुनिया में कोई प्रकृति की पूजा इतनी नहीं करता जितनी हिंदू करता। हम प्रकृति की पुजारी हैं। किसकी पुजारी हो आप? हमारे भगवान कौन है? हिंदुओं का भगवान कौन? हिंदुओं का भगवान प्रकृति ही भगवान है। मैं आपको पूरा समझाऊं कि तुम कहां प्रकृति की पूजा कर, लेकिन करते सब हो लेकिन कुछ पता नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ बताओ। भ ग वा आ न, भा से भूमि, भाग गा से गगन, भाग वा से वायु, आ की मात्रा से आ अग्नि, न भगवान, न ना से नीर, नीर मतलब पानी। पंच तत्व हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्वों को मिलाकर भगवान बना है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। देखो आप, अब हम हिंदुओं की बात करें। अब हिंदुओं को कोई मूर्ख मानता हो तो आप मान सकते हैं, क्योंकि हिंदू पहाड़ों की पूजा करता है, गोवर्धन की पूजा करता है, कामतानाथ जी की पूजा करता है, तिरुमला की पूजा के, दक्षिण में एक पहाड़ जहां तिरुपति बालाजी विराजे, उस पहाड़ का नाम है तिरुमला पर्वत। गिरिराज जी पर्वत हैं, गिरिराज जी आप सब जानते हैं। चित्रकूट में कामतानाथ जी हैं, कामतगिरी, हाँ या ना? हम पहाड़ों की पूजा करने वाले हैं, मतलब पहाड़ क्या है? प्रकृति है, बोलो हाँ। पहाड़ों का होना आवश्यक है या नहीं कि सारे खत्म हो जाने चाहिए? इसलिए हम प्रकृति की पूजा, हम नदियों की पूजा, ना नदी हमारी माँ, गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, सरस्वती मैया, नदी, नदी प्रकृति है, हम नदियों की पूजा, माँ। आपने हिंदू के सिवा किसे नदियों की पूजा करते देखी होगी? लोग कहते हैं हिंदू पागल हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की। तुम्हारी अनपढ़ दादी अम्मा पीपल की पूजा करती है, दिया जलाती है, रक्षा सूत्र बांधती है, बेल के पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा, आंवला की पूजा, बट की पूजा, समी की पूजा। हिंदू कैसे हैं? पेड़ की पूजा। अरे भैया, पेड़ की पूजा करना क्या बुरा है? प्रकृति हमें पेड़ पौधे, अब साइंस कहने लगा भैया पेड़ लगाओ, पेड़ चूर, दुनिया चिल्ला रही है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। हम तो पहले से पुजारी रहे पेड़ पौधों के, तुमने उजाड़े हैं, अब तुम ही कह रहे हो लगाओ। हमने थोड़ी उजाड़े हैं, तुम्हारी विकास ने उजाड़ा है, वरना हम तो तुम्हारी दादी अम्मा हमारी पीपल की पूजा करती चली आई, आंवला नवमी को आंवला की पूजा होती है हमारे यहां। हम हिंदू क्या है? प्रकृति के उपासक है, पेड़ों की पूजा। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखिएगा, पेड़ों की पूजा केवल हिंदू ही करता है। अब आप इसे मूर्ख मानिए तो मानिए, लेकिन कितना साइंस है, प्रकृति से जुड़ा है, कनेक्ट है। मतलब हमारी उपासना प्रकृति को उजाड़ने वाली नहीं है, प्रकृति को पूजने वाली है। साइंस समझिएगा, अंत देखिएगा क्या है। अब हिंदू लोग कहते हैं हिंदू लोग पागल हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा। अरे भैया, पत्थर की पूजा क्यों ना करें, पहाड़ों की पूजा क्यों ना करें? नहीं करेंगे तो ये सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे। आज बताइए, बड़े बड़े पहाड़ों को, वादियों को देखने लोग जाते हैं कि नहीं? उसमें पैसा खर्च करते हैं कि नहीं? पत्थर की पूजा, पागल। आप लोग अपना नया घर बनवाते हो ना तो पत्थर खरीदने जाते हो, कितने रुपए मिलता है पत्थर? 2000 रुपए फिट पत्थर मिल रहा है, 5000 रुपए फिट पत्थर मिल रहा है, हाँ या ना? फ्री में मिल रहा है पत्थर क्या? पत्थर कीमती होता है ये दुनिया अब समझ पाई। हम पहले ही से पूजा करते रहे भैया ये बहुत कीमती है,
हाँ या ना? आप अपने घर में गाटर पटिया वाला घर बनवाते हैं, वो पत्थर फ्री में आता है क्या? फिट के हिसाब से मिलता है, कहीं 100 रुपए फिट पत्थर है, कहीं 50 रुपए फिट, मतलब जो क्वालिटी पत्थर की है उस हिसाब से पत्थर मिलता है। 300 रुपए फिट का भी है, 100 रुपए फिट का भी है, 500 रुपए फिट का भी, 1000 रुपए फिट का भी पत्थर, 2000-10000 रुपए फिट भी आता होगा, हाँ या ना? फिर तो हम प्रकृति की पूजा पहले से करते, समुद्र, समुद्र हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर जाते हैं मकर संक्रांति, हाँ या ना? अब बताओ, दुनिया बकरा काट रही है, बकरे की हत्या, दुनिया शराब पी रही है, अपने देवता को शराब चढ़ा रही है, कोई शराब पीने को सही ठहरा रहा है, कोई बकरा काटने को सही ठहरा रहा है, हम तो पेड़ पौधी वनस्पतियों की पूजा कर रहे हैं। अब आप ही बताओ कि सही क्या है? यदि फिर भी कोई हिंदुओं को मूर्ख कहे और पाखंडी कहे, तो यदि प्रकृति की पूजा करना मूर्खता और पाखंड है, तो भैया तुम्हारे से अच्छे हैं कि हम कम से कम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, हमारी उपासना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि औरों की उपासना नुकसान पहुंचाती है। बकरे काटना मतलब बकरे को नुकसान, बोलो हाँ भाई। आप कहें जी हमारे यहां तो बकरा कटता है, सुअर कटता है, भैंसा कटता है, तो नुकसान है? बकरे का नुकसान है, सुअर का नुकसान है, आप जिसको काटेंगे उसका नुकसान है, लेकिन हमारे यहां किसी जीव का नुकसान? हमारे यहां तो उत्सव त्योहार मनाते हैं ना, हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं। मकर संक्रांति में क्या खाते हो? तिल लड्डू खाते, मीठा मुंह करते। आज लोग क्या, आज बोल कुछ मीठा हो जाए, तो आज मीठा हो जाए, हमारे यहां तो पहले ही से मीठा का पहले ही प्रावधान था, लड्डू खाओ खिलाओ मस्त, हाँ या ना? हमारी जो उपासना रही है प्रकृति की उपासना है। इसलिए हिंदू बहुत बड़ा साइंटिफिक, हमारे जितने भी त्योहार पर्व उत्सव जो भी कुछ है, हर चीज विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। अब तुम्हें कैसे, अब विडंबना तो ये है कि आज कुछ हिंदुओं को अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें लगता है हिंदू लोग पागल है। अरे भाई तुम हमारे विचारों पर जरा विचार तो करो कि हम कहां हैं और तुम कहां हो, हम कहां जाना चाहते हैं। हम देखो, हमारे यहां कभी हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, दुनिया ने भारत को गुलाम बनाया पर भारत ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। जब भारत विश्व गुरु था तो क्या भारत दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकता था? बोलो, इंग्लैंड ने भारत को गुलाम बनाया, मुगलों ने भारत को गुलाम बना, मुगल भी बाहर से आए, मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, क्या भारत के लोग भी क्या दूसरे देशों में जाकर उन्हें गुलाम नहीं बना सकते थे? बना सक, आज भी हमारे भारत का बच्चा, भारत का लड़का आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, हाँ या ना? फिर प्रधानमंत्री है वो वहां का, भारत का है। तो हम चाहें तो किसी देश को गुलाम भी बना सकते थे पर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि भारतीय जो ब्लड है, खून है, यो हिंदुओं का जो खून है, हमारे खून में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर ईश्वर ने ऐड कर रखा है। यहाँ की माटी से सिस्टम पूरा फिट है चीजें, यहाँ की माटी का जो खान पान का जो असर है,
हमारे ब्लड में है और हमारा ब्लड कहता है कि हम गुलाम किसी देश को ना बनाएं, गुलाम अपने मन को बनाएं। हमने किसी राजा महाराजा किसी देश को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हमने खुद को जीतने पर विश्वास किया। हमारे भारत के ऋषि मुनि साधु संत ये किसी और को जीतना नहीं चाहते, ये किसको जीतना चाहते हैं? जोर से, खुद को। खुद को मतलब अपने मन को अपने कंट्रोल में। जब देश गुलाम था उस समय मुगल राजा था, एक मुगल राजा जा रहा था एक साधु पेड़ की छांव में पड़ा मस्त। मुगलों के उस सिपाही आए, चलो 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 हट जाओ सामने से, राजा की सवारी आ रही है। साधु से कहा, ए बाबा हट जा, राजा आ रहे हैं, सवारी आ रही। साधु बोला, कौन सा राजा? अरे फलाने राजा। हा वो राजा है, मैं महाराजा हूं, बोल दे अपने राजा से। सेनापति गया, महाराज वो कोई फक्कड़ आदमी पड़ा है, बोलता मैं महाराजा हूं। राजा बोले, चलो मैं बात करता हूं। राजा बोले, आए कौन हो तुम? मैं राजाओं का राजा महाराजा हूं। राजा बोले, तुम कहां के राजा हो, कहां के महाराजा हो? संत जी ने पूछा, पहले ये बता तू जा कहां रहा है? अरे मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संत जी बोले, जीतने के बाद क्या करेगा? बोले, जीत के उसका धन पाऊंगा। फिर क्या करेगा? बोले, मैं धनपति हो जाऊंगा। संत जी बोले, अच्छा तू बहुत धनवान हो जाएगा। हाँ फिर क्या करेगा? बोले, बहुत धनी हो जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर मौज करूंगा। संत जी बोले, फिर क्या करेगा? बोले, मौज क्या करूंगा, बढ़िया आनंद से खाऊंगा। अच्छा खाएगा, फिर क्या करेगा? बोले, फिर आनंद से सोऊंगा। संत जी बोले, तो इतनी खिचड़ी पका के जितना करेगा, मैं पहले से यही कर रहा हूं, आनंद से पड़ा हूं, मौज कर रहा हूं। तू इतना मार काट करने के बाद मौज करेगा, मैं पहले ही से मौज में हूं। वाह वाह रे मौज फकीरा की, तो ये सारा तिगड़म काय के लिए कर रहा? मौज के लिए, मैं पहले ही मौज में हूं। तो आप इतना कुछ करने के बाद आएंगे तो वहीं, तो मैं पहले ही से वहां हूं। तो दुनिया तिगड़म करके जहां पहुंचती है, उसके पहले हमारे देश का संत साधु आनंद से वहां पहुंचा हुआ है, इसलिए भारत विश्व गुरु रहा। आप ही बताइए ना, मैं आपसे युद्ध करूं और आपको मारकर आपकी संपत्ति हड़प लूं और मैं कहूं जी मैं विजेता हूं, मैंने जीत लिया। किसी की हत्या कर दी आपने, किसी को मार दिया आपने, दूसरों के घर में घुस के आपने चोरी कर ली, ये चोरी है। हमारे राम जी ने वे वजह किसी राजा को मारा नहीं, रावण के घर में राम जी घुस के मारे पर वजह थी, समझाया था पत्नी लौटा दे, पत्नी लौटा दे, नहीं माना, मारा, लेकिन मारा, लेकिन एक रत्ती लंका से उठाकर राम जी कुछ अयोध्या नहीं लाए थे, उसके भाई को राजा बनाया था। जबकि राम जी चाहते तो लंका जीत चुके थे, और जो जीता हुई होती है वो उसका होता, पर राम जी ने एक रत्ती नहीं लिया। क्योंकि हमारे देश में हमें तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, तुम्हारी पत्नी से मतलब नहीं है। हमारे यहां तो खिलजी आया, दूसरे की स्त्री पर मोहित हो गया, और वो खिलजी पद्मावती पर मोहित हुआ, उसके चक्कर में लाखों लोगों की हत्या कर दी उसने। हाँ या ना? हमारे यहां एक आदमी है जो एक औरत के लिए लाखों की गर्दन उड़ाता है, और हमारे यहाँ का एक संत है जिसके सामने औरत खड़ी हो जाए तो वो आंख बंद कर लेता है, ना मुझे तेरा जिस्म नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर के चरणों में मन लगाना है, मैं तेरे शरीर का क्या। एक वो है जो ऑलरेडी चाहता ही नहीं है कुछ, अब आप बताइए, एक वो है जो चाहता है और उसके लिए लाखों की गर्दन उड़ा रहा, और एक वो है जो चाहता ही नहीं, इन दोनों में कौन अमीर है आप बताओ? सिंपल है ना, आप चाह के भी क्या इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे कि मैं नहीं चाहता, बताओ? इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ है,
भारत के हिंदुओं के विचार इस दुनिया में जितने मजहब पंथ धर्म संप्रदाय हैं उन सबके विचारों को सुनिए समझिए और आत्म मंथन चिंतन कीजिए। सबसे श्रेष्ठ विचार हिंदुओं के ही रहे हैं, इसलिए सनातन श्रेष्ठ रहा है विचारों से। वो केवल विचार बोलने का नहीं, उन विचारों पर चलकर समाज को दिखाया। राम के विचार सनातन के विचार हैं, कृष्ण के विचार सनातन के विचार हैं। हमारे विचार क्या कहते हैं? रावण ने चुराही तो ली ना दूसरों की स्त्री, लेकिन रावण की बहन भी तो आई थी राम के पास, क्या आंख उठाकर देखा राम जी ने? मेरी मां, बहुत पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप मार काट पे उतर आइए, आप खूब पैसा कमा लेंगे। पहले जमाने में यही था, राजा लोग लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे। अरे मारना है तो किसी को क्यों, अपनी इच्छाओं को मार दो। सुखी वो नहीं है जो किसी को मार के धन हड़प ले, सुखी वो है जो अपनी इच्छाओं को ही मार दे, वासनाओं को ही मार दे, कोई कामना ही नहीं। इसलिए हमारे देश में संत हैं नांगा साधु। जब कुंभ लगता है तो हमारे देश में पहला स्नान कौन करता है? कौन करता है? नांगा साधु। ये नांगा साधु कौन है? नांगा साधु मतलब वो नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं। क्या है ये नंगे क्यों रहते हैं? लेकिन चूंकि एक मर्यादा है इसलिए वो निर्वस्त्र होकर समाज में घूमते नहीं है, केवल उस समय वो कुंभ में ही दिखते हैं, उसके बाद फिर वो समाज में बहु बेटी के बीच में रहना है तो कमर ढक के रहते हैं, चूंकि मर्यादा है। लेकिन वो कुंभ में बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं। ये क्या है जरा मुझे बताओ, ये नांगा साधु क्यों? नंगा समाज के बीच में, सबके बीच में नंगा निर्वस्त्र कौन हो सकता है? कौन हो सकता? क्या आसान है? क्या आसान है? आसान है? आसान है क्या ये? हाँ या ना? जब विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, और जब अंग्रेजों ने देखा कि यहां के साधु तो बिल्कुल निर्वस्त्र हैं, तो अंग्रेजों ने पूछा, मुगलों ने पूछा, भाई ये कौन है? बोले साधु हमारे भारत के, ये कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले कपड़े वाले भी साधु हैं और ये समाज को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो तुम लोग दूसरों की बहन बेटियों को लूटना चाह रहे हो, तुम दूसरों के देश में घुस के कब्जा करना चाह रहे हो, और भारत तो ऐसा त्याग प्रधान देश है जिसने अपने वस्त्र भी त्याग दिए हैं। यहां त्याग देखिए, सोना चांदी हीरा मोती की छोड़ो, अंग वस्त्र भी त्याग दिया। और जो अंग वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र है उसके अंदर कोई वासना तुम चेक कर लो, तुम्हारे सामने कोई, तुम तो दूसरों के घर में घुस के, हमारे देश में पर्दा प्रथा क्यों चालू हुई? ये अंग्रेज ये मुगल हमारी बहन बेटियों को देखते थे तो उनके साथ बलात्कार करते थे, तो फिर बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भाई तुम जरा घूंघट कुएं जाया करो, नदी जाया करो, तो जरा घूंघट, वो घूंघट परंपरा वहां से चल पड़ी, चूंकि मजबूरी थी, पहले घूंघट परंपरा नहीं थी, वो तो मुगलों अंग्रेजों के डर से घूंघट परंपरा चालू हुई। वो बलात्कार करते थे, दुराचार करते थे। अब देखिए वो लोग जो किसी बहन बेटी को देखकर और उनके साथ दुराचार करते, और एक भारत का साधु था जो कि बहन बेटियों को देख करके आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितनी सुंदर स्त्री है, क्योंकि उसने सब त्याग दिया, मन को ईश्वर से जोड़ना चाहता है। हमारे यहाँ की उपासना भोगों की रही नहीं, हमारे यहाँ की उपासना तो प्रभु को प्राप्ति की रही है ना मेरी माँ। ना तो धन में मन था, ना वासनाओं में मन था। हमारे देश में यदि विषय वासनाओं में मन होता तो हमारे देश की नांगा साधु परंपरा ना होती। ये नांगा परंपरा कहती है कि हमारे यहां वासना का कोई स्थान
नहीं, हल्के में मत लीजिए। परंपराएं हैं जिस परंपराओं को आज लोग समझते नहीं और मजाक उड़ाते हैं संतों का। आप लोग मतलब कुछ लोग संतों का मजाक उड़ाते हैं। अरे संतों, संत बनना कोई सरल है? तुमसे तंबाकू नहीं छोड़ी जा रही है, सिगरेट नहीं छोड़ी जा रही है, और वो सारा परिवार धन दौलत की मोह माया छोड़ के राम राम जप रहे हैं। हल्के में ले रहे हो तुम? तुमसे तंबाकू नहीं छूट रही है, तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई, तुम रो रहे हो, चप्पल नहीं मिल रही है तो रो पड़े। उन्होंने तो सारा संसार त्याग दिया, मलमूत्र की तरह छोड़ दिया, पलट कर देखा नहीं। पीपा देव जी एक राजा थे, रामानंदाचार्य जी उस जमाने के संत थे, जो कि साक्षात भगवान राम के ही अवतार हैं। पीपा देव जी आए, रामानंदाचार्य जी से बोले कि मैं सब छोड़ करके आ गया। पीपा देव जी राजा थे, बड़े राजा थे, उनके अंदर त्याग हुआ कि इस राजपाट से भी क्या मतलब है, क्या मिल रहा, मैं धनवान बहुत हो जाऊं तो धनवान भी होकर मुझे क्या मिलना है, बहुत सारी स्त्रियां हो जाएं मेरी तो उन स्त्रियों के होने पर भी मुझे मिलना क्या है, क्या मेरी इच्छाएं एक स्त्री से पूरी हो पाई, चार हो जाएंगी, जिनकी चार स्त्रियां हैं क्या उनकी चार स्त्रियों से भी इच्छाएं पूरी हो पाई, जो 1,00,000 कमाता है क्या उसकी इच्छा पूरी हो पाई, जो 10,00,000 कमाता है क्या उसकी, इन इच्छाओं का ना राजा की इच्छा पूरी होती है ना रिक्शे वाले की इच्छा पूरी होती है। अंत में हमारे देश में एक परंपरा रही है कि राजा लोग भी अंत में सब छोड़ करके जंगल में सब त्याग करके तप करने जाते थे, क्योंकि अंतिम सत्य है तपस्या, अंतिम सत्य है ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी ना तो पैसे से मन हटेगा, ना पैसे से मन भरेगा, ना स्त्री से मन हटेगा, ना स्त्री से मन भरेगा। ये आप आखिरी देखिए, अपना 70-80 साल की उम्र में भी आपका मन नहीं भरना, मन को बलात् हटाना पड़ता है। चल इतना तो 70 साल से तो हम भोग ही रहे हैं ना, अब चल मन लग भगवान के श्री चरणों में, लगाना पड़ता है। पहले के लोग मन को लगाते थे, आज के लोग मन को लगाना ही नहीं चाहते। मन की कितनी चलेगी, कब तक चलेगी मन की कंट्रोल? तो हमारे देश में जो राजा हुआ कर, जैसे दशरथ जी बोले राम को राजा बनाऊं मैं जंगल जाऊं, तो पहले जंगल जाने की भी एक परंपरा थी। हमारे यहां चार भागों में बटा है सब, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पीपा देव जी गए राजपाट छोड़ के, गुरु जी गुरु मंत्र दो, मैं भजन करना चाहूंगा। गुरु जी ने मंत्र तो दिया पर आज्ञा दी, जाओ तुम अभी तक ये मानते थे कि ये राजपाट मेरा है, अब तुम सेवा करो, जाओ संतों की सेवा करो, अन्नदान करो, लेकिन ये मान करके मेरा नहीं सब कुछ प्रभु का है, काम वही करना है, पर बस ये हटा लो कि मैं कर रहा हूं, ये मान लो कि मैं नहीं भगवान कर रहे। देखिए हमारे यहां मैं नहीं है, हमारे यहां क्या नहीं है, जोर से मैं नहीं, हमारे यहां हमारी हिंदू परंपरा में मैं नहीं, हमारे यहां जो बोलता है मैं उसे अभिमानी बोला जाए, ये अभिमानी है, मैं कर रहा, मैं नहीं, हमारे यहां मैं नहीं, हमारे यहां प्रभु सब कुछ आप है। हमारे हिंदुओं में हम सब कुछ नहीं है, हमारे यहां सब कुछ भगवान है। जो अपने को सब कुछ मान रखा है वो अज्ञानी है, अभी थोड़ा अभी बच्चा है, बड़ा होगा कभी अक्कल आएगी तो मानेगा कि सब कुछ मेरा। हम लोग गाते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा, हम किसके पुजारी हैं, प्रकृति के।
गोवर्धन की पूजा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान ने की, इसलिए हम लोग भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, है ना। हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? अंग्रेज आए मुगल आए तो हमारी बहन बेटियों का चक्कर लगाया, बहन बेटियों को देखा, उन्हीं के चक्कर में रहते। लेकिन हम भारतीय लोग हैं, किसी की बहन बेटी का चक्कर नहीं, हम तो गिरिराज जी का चक्कर लगाते हैं, हम तो वृंदावन का चक्कर लगाते हैं, भगवान की परिक्रमा है ना। गिरिराज जी के चक्कर को ही परिक्रमा कहते हैं, इसलिए पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ो, गिरिराज जी के चक्कर में पड़ो। पड़ोसी के चक्कर में ना पड़ो, गिरिराज जी के चक्कर में पड़ो। समझ में आ रही है बात? कितना बढ़िया मैसेज रहा। लेकिन हिंदुओं को ये बातें ना डीप में आप कभी समझ नहीं पाए, चीजें ना विचार कर पाए, तो लोगों को लगा कि ये सब क्या है। हमारे यहाँ हर चीज का बहुत गहरा कारण है। चलो, गोवर्धन का अर्थ ये भी होता है गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? गाय की। और आप किसकी सेवा करते हैं? कुछ लोग कुत्ते की करते हैं। मैया बैठो, मेरी मां बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ मेरी मां, हल्ला ना करो, बिल्कुल शोर ना करो। अपना आप लोग आज मोबाइल निकाल लो अपना अपना, और यूट्यूब पर जाना, जरा चैनल को सब्सक्राइब करना। आज 1,35,00,000 लोगों का परिवार पूरा होने वाला, मैं आपको बधाई दे दूं फटाफट। आप अपना मोबाइल निकाल लो और YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, ANIRUDDHACHARYA, तो ऐसे चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज ये परिवार 1,34,00,000 लोगों का भी है, आज ये 1,35,00,000 लोगों का पूरा हो जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथाएं आप अपने मोबाइल पर सुनते रहा करिएगा। YouTube पर कितने लोग जुड़े हैं पता है ना? 1,34,00,000 लोग जुड़े हैं। ये सब वही लोग हैं जो भगवान से प्यार करते हैं, जो अपने धर्म से प्यार करते हैं। आप भी इस परिवार से जुड़िए और बहुत कुछ सीखिए। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कितने लोगों ने कर रखा है? अच्छा, पहले जिनने नहीं किया वो अपना मोबाइल निकाल लें और कर लें, फिर मैं आपको बधाई दूंगा। किस कौन कौन चाहता कि मैं आपको आज 1,35,00,000 लोगों की बधाई दे दूं? हाँ, फटाफट मोबाइल जो निकाल पाए निकाल लो और कथाएं सुनते रहा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना और बेल आइकन दबा लेंगे तो रोज नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा कि कथा स्टार्ट हो गई, तुरंत आप देख लिया करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के जमाने में क्यों ना सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाए, उसमें भी कथा सुनी जाए, अच्छी बातें की जाए। हम लोग तो हर चीज का सदुपयोग करने वाले लोग हैं, इंटरनेट का भी सदुपयोग यही है, हाँ या ना, मोबाइल का भी सदुपयोग यही है। अब तो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी YouTube पे कथा सुनती हैं, रोटी बनाती जाती हैं, रोटी बर्तन झाड़ू पोछा काम करती जाती हैं और सुनती जाती हैं। अच्छा, कथा का एक बढ़िया प्रभाव और भी आपको बता दूं, जिसे नींद ना आती हो तो आप रात्रि को सोने के पहले जरा हल्का सा आवाज स्लो करके सामान्य और मोबाइल दूर रख दीजिए और कथा सुनते रहिए। कथा सुनते सुनते आप कब सो जाएंगे बहुत जल्दी पता ही नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी नींद, गहरी नींद आ जाएगी आपको। मतलब कथा लोरी का काम भी करती है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई के बाद, कितने लोग कथा सुन सुन के सोते हैं, इतने देखो लोरी का काम करती है कथा। मैं भी सुनता हूं कथा, मैं भी संतों की वाणी सुनकर ही सोता हूं, मैं भी रात्रि को। अच्छा, मोबाइल अपने तकिया के पास नहीं रखना चाहिए,
तकिया के नीचे, तकिया के अपने मोबाइल को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। रात्रि को सोते समय मोबाइल दूर, 2-3-4 फीट दूर मोबाइल, 5 फीट रखो तो और अच्छा है, क्योंकि मोबाइल से जो तरंगे टकरा रही हैं, मिल रही हैं, नेटवर्क जो है, चाहे इंटरनेट हो चाहे नेटवर्क जो भी है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें डैमेज तो करते ही ना हमारे मस्तिष्क को, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी टकराती हैं चीज़ें, सिस्टम तो लगभग सेम सेम है, उसके अंदर भी मेमोरी है, हमारे भीतर भी मेमोरी है। माना कि थोड़ा सिस्टम अलग है, लेकिन फिर भी मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए, आवाज आती रहे चुपचाप। तो आप कितने लोग मोबाइल, बच्चों को भी, रात्रि के बच्चे जहां सोते हैं मोबाइल बिल्कुल नहीं रखना बच्चों के सिर के नीचे। मोबाइल रखने की एक कम से कम 4 फीट, आप पलंग पर सोते हैं तो पलंग के नीचे, बेड के नीचे मोबाइल पांव की तरफ नीचे की तरफ रख दीजिए। सिर पर मोबाइल नहीं नहीं नहीं, हानिकारक है, याददाश्त कमजोर होती है। आप मोबाइल सिर पर रख के सोने वाले को देख लीजिएगा, बहुत सारी स्त्रियों को एक बीमारी हो रही है, अभी की रिसर्च बोल रहा हूं, भूलने की बीमारी। आपको अभी अभी ये बीमारी 2-3 साल में ज्यादा सुनने को मिली, 4-5 साल में हम भूल गए, हमें अरे वो सामान कहाँ रख दिया याद ही नहीं है। ये बीमारियां महिलाओं को ज्यादा हो रही हैं, पुरुषों को भी हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों की आदत है कि मोबाइल तकिया के नीचे रख के सोने की, ये बहुत जल्दी आपको भुलक्कड़ बना देगा, अंदर का सारा सिग्नल जो है आपका सब डैमेज हो जाएगा। हाँ या ना, तो बात हम सही कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो आप कितने लोग अपने बच्चों के पास से मोबाइल दूर रखेंगे? और आप अपने से भी दूर रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, देखिए फटाफट ये परिवार 1,34,92,000, बस ये देखिए 92 के बाद ये 93,000 होने वाला है। फटाफट तुरंत मोबाइल को निकाल के सदुपयोग कीजिएगा और आनंद से परिवार से जुड़िएगा और अपना आशीर्वाद दीजिए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है YouTube पर अनिरुद्धाचार्य परिवार, पूरी दुनिया का, आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है। पूरी दुनिया में अच्छी बातें, कथा, सत्संग के बातें करने वाला ये पहला इतना बड़ा परिवार है जिसमें आज के समय पर भी 1,34,00,000 लोग जुड़े, जो कि आज 1,35,00,000 हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, तो भगवान की कृपा से भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप गायों की सेवा करो, पहाड़ों का, प्रकृति का संरक्षण करो। और आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर आए, फिर भगवान सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराए, उसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला रची जिस लीला का नाम है रास लीला। कौन सी लीला? रास लीला। रास लीला की भगवान ने, आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान की बांसुरी यमुना के पुलिन तट पर जब बजी तो गोपियों को बुलाया भगवान ने,
राधा ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या सुदेवी आओ। आज भगवान की बांसुरी जब बजी तो सारी गोपियां जो काम धाम कर रही थी सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर दुहंत्यो भी अयु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज सखियों ने गाय दोहना छोड़ दिया, आंखों का काजल छोड़ दिया, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, घर का चौका बर्तन छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, दौड़ पड़ी सखियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, गोपियों ने कर्म छोड़ दिया कृष्ण के लिए। कर्म ही तो था बच्चे को दूध पिलाना, घर का झाड़ू चौका बर्तन करना, कर्म था, सब छोड़ दिया भगवान के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा सा सवाल कर लूं आपसे, बताइए कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म बड़ा, कर्म जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप धर्म क्या बड़ा? कर्म बड़ा। आप बताओ दादाजी, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताओ चश्मा वाले भैया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ कर्म। आप बताओ भैया, आप कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताइए कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ धर्म। क्या बड़ा? कर्म। इस तरफ की मई, अच्छा अच्छा देखो वो लाल मैया को देखो, जरा मस्त सो रही है, सोने दो, जगाना मत, जगाना मत, सोने दो, मस्त नींद में बाधा ना बनना। अरे आपके पीछे, सोने दो सोने दो। मैया सुबह हो गई मेरी माँ, राम राम, सो गई मेरी माँ, जागो सुबह हो गई, चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे, पकड़ो पकड़ो मैया। कर्म बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, ये मैया बताएंगे इस तरफ की। हाँ कर्म धर्म, पीछे वाले कर्म धर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब ये दोनों बातें हो गई, अब कौन इसका न्याय करे, न्याय निर्णय करे, तो कहो तो हम निर्णय कर दें। आपने बोला कर्म बड़ा, भैया ने बोला कर्म बड़ा, तो कर्म यदि बड़ा है तो कसाई क्या करता है? उत्तर दो। कर्म करता है, कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है, तो कर्म बड़ा तो क्या कसाई का गाय काटना बड़ा? कर्म बड़ा तो शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा, अपना कर्म कर रहा है, तो कर्म बड़ा तो क्या शराबी का शराब पीना बड़ा? कर्म, आपने क्या बोला? कर्म बड़ा, तो शराबी से पूछो क्या कर रहा है, बोले मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। कसाई से पूछो कि मैं तो अपना कर्म, जुवाणी जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है वो? अपना कर्म। तो आपने बोला कर्म बड़ा तो क्या जुवाणी का जुआ खेलना बड़ा? क्या कसाई का गाय काटने का कर्म बड़ा? इसलिए यदि आप कह देंगे कर्म बड़ा तो ये प्रश्न के उत्तर आपको ही देने पड़ेंगे। इसलिए कर्म बड़ा है पर कब? कर्म तब बड़ा होगा जब धर्म से जुड़ा हुआ कर्म होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? कसाई का कर्म क्या धर्म से जुड़ा है? शराबी का कर्म क्या धर्म से जुड़ा है? इसलिए कर्म कौन सा बड़ा कर्म होता है? जो कर्म धर्म से जुड़ा हो। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ होता है, धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म बड़ा नहीं हो सकता। यदि धर्म से, हां धर्म से जुड़ा है तो वो कर्म श्रेष्ठ। जो कुछ आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है,
जैसे माँ की आरती उतारना भी कर्म है, और कोई बेटा माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दे तो वो बोल रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, क्योंकि आपकी आंखों की पलक झपकना भी वो कर्म है, दिल का धड़कना भी अपना कर्म है। कर्म तो सब कुछ है, आप यहां बैठे हैं ये भी कर्म है, हाँ या ना? पर ये कैसे निर्णय करोगे कि इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी है, इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी है, और हंस का स्वभाव होता है कि पानी और दूध को मिक्स करके रखेंगे तो वो किसको पी लेगा, दूध को हंस पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। सरस्वती माँ का वाहन यही तो कहना चाहता है कि वही कर्म करो जैसे दूध और पानी में हंस ने दूध को ग्रहण कर लिया, ऐसे कर्म तो बुरे कर्म अच्छे कर्म दोनों कर्म है, लेकिन आप अच्छे बुरे कर्मों में अच्छे कर्मों को ग्रहण कर लें तो ही आप बुद्धिमान माने जाएंगे और वो आपकी गति होगी। जैसे आपने बोला कि कर्म बड़ा, तो रावण ने सीता माँ को चुराया था तो उसने अपना कर्म ही तो किया था, क्या किया रावण ने, क्या किया रावण सीता माँ को चुरा के ले आया तो क्या किया, उसने अपना कर्म किया, उसका तो काम ही था जो अच्छी नारी मिले उठा के ले आना। तो रावण ने जो किया वो कर्म था, और राम जी ने जो कर्म किया वो धर्म था। राम के पास भी सूपनखा आई थी, आप बहुत सुंदर हैं स्वीकार कर लो, पर राम ने उसको देखा तक नहीं, क्योंकि कर्म जो है, देखो आप आटा चालते हो ना तो चलनी से आटा चालते हो, चलनी होती है ना, चलनी, चलनी का काम है अच्छे आटे को बुरे आटे को अलग अलग करना, चोकर अलग कर देती है चलनी, चापर और अच्छा आटा अलग कर देती है। उसी तरह जो धर्म है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म एक संचित क्रियमाण प्रारब्ध, ये तीन भी परिभाषाएं हैं कर्मों की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, जो कर चुके हैं वो संचित कर्म है, संचित हो गया आपका, स्टोर हो गया, और वही कर्मों का फल जब आपको मिलता है तो वही प्रारब्ध हो जाता है, भाग्य। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में था, अरे भाग्य में भी वही होता है जो आपने कर्म करके संचित किया था। आपके घर में गेहूं है तो आपने गेहूं बोया होगा, किसान के घर में गेहूं होता, गेहूं बोया तो जब गेहूं बो रहा था वो था क्रियमाण कर्म, वो क्रिया कर रहा था, बो रहा मतलब क्रिया कर रहा, क्रियमाण कर्म, बोना मतलब गेहूं, बोना मतलब क्रियमाण कर्म। अब गेहूं जब बो के उसने फसल आई तो काटा, वो काट के घर में रखा तो वही क्रियमाण कर्म का क्या बन गया, संचित, अब संचित हो गया गेहूं, संग्रह, समझ में आ रही है, खोपड़ी में घुस रहा है कि हम अकेले, है ना? किसान ने जब बोया तो क्या था, क्रियमाण, बोलते चलो, जब किसान बो रहा था क्या था, कौन सा कर्म था, क्रियमाण कर्म, जब घर में फसल कट के आ गई तो क्या बन गया, संचित कर्म हो गया, वो संचित हो गया, और वही फिर उस गेहूं को उसने पिसवाया और रोटी खाया तो वही था प्रारब्ध, उसके भाग्य में रोटी थी, क्योंकि बोया ही गेहूं था तो रोटी ही खाएगा, धान बोया होता तो चावल खाता, मक्का बोया होता तो मक्का खाता, और केसर बोया होता तो दूध में केसर खाता, और बादाम बोया होता तो बादाम, क्योंकि वही खाएगा जो बोया था, समझ में आई, वही तुम्हारा जीवन है, जो तुम करते हो वही तुम्हें मिलता है, और तुम रोते हो भगवान ने दुख दिया, भगवान भगवान कोई दुख नहीं देते, अपना कर्म ही व्यक्ति को सुख दुख देता है। समझ में आ गई, कर्म कितने प्रकार का, लेकिन तीन प्रकार के कर्मों को अभी हम थोड़ी देर के लिए समझ तो गए हैं ना, थोड़ा किनारे, अब हम दो कर्मों की, अब कर्म दो प्रकार के हैं, एक अच्छे कर्म एक, अब ये भाषा मेरी सारी लोग माताएं भी जो बच्चे भी समझ पाएंगे, दो भाषा,
दो प्रकार के कर्म, एक अच्छा, जैसे आटा को चलने से चला तो अच्छा आटा अलग, बुरा आटा अलग, उसी प्रकार जो धर्म है। अब आपने बोला कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, तो धर्म है चलनी। जैसे आटे को चलनी ही चाल के दो भागों में डिवाइड करेगी, ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये कर्म अच्छा है और ये कर्म बुरा है? आपको कैसे पता लगेगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? उसके लिए धर्म चाहिए, धर्म की चलनी ही। जिसको धर्म का ज्ञान है वही जान सकता है कि ये कर्म सही है या ये कर्म गलत है। जो सही है वो कर लो, जो गलत है वो छोड़ दो। दूध पी लो, शराब छोड़ दो, सेवा कर लो, मार काट छोड़ दो। कर्म दो प्रकार के, एक तो दूध है और एक शराब है, दोनों पिया जा सकता है, दोनों पैसे से आती हैं। क्या पीना है? आपके सामने एक गिलास दूध है, एक गिलास शराब है, क्या पीना है ये कौन निर्णय करेगा? हाँ, कौन निर्णय करेगा? आप नहीं करेंगे। आपके भीतर यदि धर्म है तो वो धर्म कहेगा कि यार शराब गलत है। जिनके अंदर का धर्म मर चुका है, जिनके अंदर का धर्म शून्य, कोई काम ही नहीं कर रहा, वो शराब पी रहे हैं। तुम्हारे अंदर का धर्म मर जाएगा ना, तुम बहन बेटियों को छेड़ने लग जाओगे। पर जिसके अंदर का धर्म जिंदा है, वो धर्म ही तो कहता है यार ये तेरी बहन है, क्यों छेड़ता है? किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखना गलत है। उसके अंदर का धर्म है तो रोकता है, धार्मिक व्यवस्था है। अच्छा, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उत्तर देना, तुम्हारे पड़ोस में, सोसाइटी में, गांव में एक लड़का रहता, एक लड़का था। वो लड़का ना पूरे मोहल्ले की, सोसाइटी की बहन बेटियों को छेड़ता था, गलत बोलता था, उसकी नियत में बड़ा खोट था। एक लड़का था जो सारी लड़कियों को गलत बोलता, गलत तरीके से देखता, गलत भाव रखता। लेकिन वही लड़का जब अपने घर जाता तो उसकी एक सुंदर सी बहन थी, जवान, बहुत सुंदर थी। वो अपनी बहन के साथ रहता ना तो वो अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, वो बहन को गलत भाव से बिल्कुल भी नहीं देखता। वही लड़का जो दूसरों की बहन बेटियों को गलत भाव से देखता था, वही लड़का अपनी बहन को बिल्कुल भी गलत भाव से नहीं देखता। बताओ क्यों नहीं देखता? जो सबको देखता है वो अपनी बहन को क्यों इस भाव से नहीं देख रहा? किसने रोका है? किसने रोका है? यही है धर्म। जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा है तो आपको पता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। जिस दिन आपका धर्म मर जाएगा ना साहब, आप भूल जाएंगे कि ये बहन बेटी है। और बहन बेटियों के साथ भी आज यदि कोई दुराचार करता है, मतलब उसके भीतर का धर्म। इसलिए 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो ये जानता है कि ये मेरी माँ है। बाकी कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है उसी के साथ वो संबंध बनाता है। बोलो हाँ, क्योंकि उसके भीतर धर्म। बैल, भैंस, भैंसा, शेर, चीता, कोई भी पक्षी पशु देख लो आप, हाँ या ना, जो बिल्ली का बच्चा भी, बकरी का बच्चा, बकरा पैदा होता है जिस बकरी से उसका दूध पीता है, वो उसी बकरी के साथ संबंध बनाता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इन जानवरों के पास ईश्वर ने धर्म नहीं दिया। 84 लाख योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि धर्म केवल मनुष्य के पास है। और आज वही मनुष्य अपने धर्म का ह्रास करते जा रहा है। आज तुम्हें धर्म की बातें हम कहते हैं तो तुम कहते हो नहीं जी, धर्म बड़ा नहीं, कर्म बड़ा है। तुम धर्म को बिल्कुल मानते नहीं। धर्म का मतलब केवल ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म, ना, धर्म जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके अंदर धर्म है, तब वो माँ को माँ कहते हैं। वरना हम हिंदू लोग हैं इसलिए हमारे भाई बहन में शादी नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। जिनके अंदर धर्म नहीं है वो तो भाई बहन भी शादी कर लेते हैं। तो कमी कहां है धर्म की? हमारे यहां धर्म ज्यादा है।
है। हम लोग धर्म की बात, हमारे यहाँ भगवान का अवतार हुआ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आकर धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना यही है कि आप सबके हृदय में धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही धर्म को धारण कर सकता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं। इसलिए जाने ना देना धर्म। रावण का धर्म ही तो चला गया साहब, क्या चला गया? धर्म चला गया, सीता ले आया। रावण का धर्म चला गया तो लंका का नाश हो गया। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया आपका तो फिर कर्म कौन सा करोगे? धर्म चला गया तुम्हारा तो कौन सा कर्म करोगे? फिर धर्म चला गया उसके बाद कोई भी कर्म करोगे जमाना कहेगा ये तो ढोंग कर रहा। मूल में धर्म है, कर्म नहीं साहब। कर्म तो अपनी जगह ठीक है पर कर्म कौन सा? धर्म युक्त है ना। रावण ने जो किया वो अधर्म था, राम जी ने जो किया धर्म था। इसलिए रावण के पुतले जलते हैं और राम के मंदिर बनते हैं, क्योंकि धर्म की पूजा है। आप लोग इसलिए कहता हूं नमक रोटी खा लेना, भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, पर धर्म मत छोड़ना। धर्म मत। हमारे यहां राजा महाराजा मर गए, बिक गए बाजार में, हरिश्चंद्र बिक गए कि नहीं? धर्म नहीं छोड़ा। धर्म चला जाएगा तो फिर पैसे का हम करेंगे क्या? हमारे लिए पैसा मायने नहीं है साहब, धर्म। भगवान से प्रार्थना करता हूं प्रभु जब तक जीऊं प्राण चले जाए पर मेरा धर्म ना जाए। मेरा धर्म मेरा प्राण है, मेरा धर्म मेरा बल है। पैसे तो वैश्या भी कमाती है साहब, पैसे तो वैश्या भी कमाती है, धर्म बेचकर कमाती है। और हमारे भारत की स्त्रियां बेचारी दूसरों के घर में कपड़े लत्ते धुलती हैं, पोंछा बर्तन चौका करती हैं, लेकिन अपना धर्म को जाने नहीं देती। एक स्त्री वो है जो पैसे के लिए शरीर बेच देती है, और एक स्त्री वो है जो अपने को तपाती है, बर्तन चौका करेगी, मजदूरी करेगी, पर अपने चरित्र पर आंच नहीं आने देगी। चरित्र की रक्षा ही तो धर्म है ना साहब, या ना? क्या बड़ा है, क्या बड़ा है कर्म की धर्म, क्या बड़ा है हाँ? क्या बड़ा है धर्म युक्त कर्म। आप यदि ऐसा बोलेंगे कि कर्म बड़ा है पर धर्म युक्त कर्म, तो आपका कर्म बोलना तब ठीक हो जाएगा जब आप ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा धर्म योग। आपने यदि बोल दिया कर्म बड़ा तो आपकी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कसाई भी कर्म कर रहा है। आपको पूरा सेंड जो आजकल ना लोग क्या कहते, हम तो कर्म ही पूजा है, हम तो महाराज अपना कर्म करते हैं। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम, अधूरा ज्ञान है तुम्हारे पास। अध जल गगरी छलकत जाए, यदि गगरी में आधा जल है ना तो छलकती ज्यादा है। या तो पूरी खाली रखो या तो पूरी भरी रखो, आधा मत रखना, आधा ज्ञान खतरनाक है। जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, उनसे पूछो कि कर्म ही पूजा है तो बकरे को काटना कसाई पूजा कर रहा है? ये गलत लोग पढ़ते हैं, गलत लिखा कर्म ही पूजा ना, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है, ये पूरा है। धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म पूजा नहीं हो सकता। यदि कर्म ही पूजा है तो रावण ने जो किया क्या वो भी पूजा था? कंस ने जो किया क्या वो भी पूजा है? मुगलों ने अंग्रेजों ने जो किया वो भी पूजा है ना? सवाल खड़े हो जाएंगे लाख तुम्हारी पूजा में।
पूरा सेंटेंस बोल के बताओ फटाफट। कर्म बड़ा है, कौन सा कर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म। और कोई ऐसा पूछे कि धर्म बड़ा कि कर्म, तो धर्म। धर्म से बड़ा कुछ नहीं, धर्म से बड़ा कोई, धर्म इतना बड़ा है कि उस धर्म पर चलने के लिए भगवान भी आए। राम किस पर चले? हाँ, तो धर्म वो है जिस पर चलने के लिए भगवान भी मजबूर है। यदि भगवान भी धर्म पर ना चलते तो आप में से कौन उन्हें भगवान कहता? धर्म क्या है तुम समझते क्यों नहीं? इस संसार की सबसे बड़ी वस्तु, बड़ी चीज धर्म ही तो है। एक स्त्री के पास क्या है? पातिव्रत धर्म। एक स्त्री बड़ी कब होती है? 100 बच्चे पैदा करने से स्त्री बड़ी नहीं होती। तुम 1,00,000 बच्चे पैदा कर लो तो बड़ी नहीं हो जाओगी। तुम बड़ी तब बनती हो मेरी मां, जब तुम धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करती हो। एक पुरुष बड़ा तब नहीं बनता जब उसका टर्नओवर करोड़ों का होता है। एक इंसान तब बड़ा नहीं होता जब उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है। एक व्यक्ति तब बड़ा बनता है जब धर्म से वो चलता है, धर्म में जीवन जीता है। बड़ा यार लोग कहते हैं बहुत धर्मात्मा है, प्राण जाते हैं तो जाएं। हम प्राणों को नहीं रोकते, हम धर्म को रोकते हैं। एक तरफ धर्म जा रहा हो और एक तरफ मेरे प्राण जा रहे हो और दोनों कहें जी तुम दो में से एक रोको। अनिरुद्धाचार्य के प्राण भी जा रहे हो और अनिरुद्धाचार्य का धर्म भी जा रहा हो और दोनों कहें, प्राण कहे और धर्म कहे कि तुम दो में से एक को रोक लो, तो अनिरुद्धाचार्य किसे रोकेगा? प्राण तो कल फिर मिल जाएंगे साहब। हम उन रावण ने प्राण बचा के, रावण के प्राण बच भी जाते तो प्राण बचा के कर क्या लेता? धर्म गवा के तुम प्राणों को बचाए तो क्या करोगे उस धर्म का, उस प्राणों का? इसलिए मैं प्राणों को नहीं चुनता, प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्म ना जाए, ये भारत है। प्राण जाए पर धर्म, वचन मीन्स धर्म। समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा जो तुम लिविन में रहते हो किसी लड़की के संग, किसी लड़कों के संग तुम अपना धर्म गवा रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई, सारा काम धाम छोड़ दिया कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कर्म छोड़ दिया। गोपियों ने कर्म छोड़ा है, धर्म। धर्म कौन है? कृष्ण ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है। धर्म कर्म छोड़ा है गोपियों ने, धर्म नहीं छोड़ा। कृष्ण के पास आई, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? जोर से रास। ये भैया रास क्या है ये बताओ, भैया रास क्या है ये? सब चुप रहेंगे। ये भैया बताओ रास क्या है, क्या था ये रास? नहीं? भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, तो क्या हुआ था उस रास में? आप रास रचाते हो भैया? ये रास क्या है? लीला क्या है? कौन सी लीला? गोपियों के साथ क्या किया था भगवान गोपियों के साथ भगवान ने? खेलना कूदना, क्या है ये रास? ठीक है भैया, ये रास क्या है? ये रास क्या है बेटा? भैया ये रास क्या है? चश्मा वाले भैया, ये रास। आप जितनी माताएं बैठी हैं, आप लोग अपने पतियों को रास रचाने की इजाजत देंगे? उत्तर दो,
देंगे। रास शब्द का जो अर्थ भारत के कुछ लोग करते हैं, जो हिंदू संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं, वो भगवान के इस लीला पर भी ना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि तुम्हारे भगवान ने तो रास रचाए। अब उन मूर्खों को कोई ये समझाए कि भाई रास का मतलब तुम जानते हो? नहीं जानते, बस करना है बातें। कुछ लोग ना, एक डायलॉग है आप जानते हैं, एक पिक्चर का एक वाक्य मैं आपको बताऊं, उसमें है तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये एक पिक्चर का है ना, बोलिए जरा क्या है? तुम करो तो और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताइए, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये जो बात कही जाए, ये जो सेंटेंस है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये सही वे पर ले जा रहा है कि गलत? मतलब ये जो सेंटेंस बोला गया, देखो पिक्चरें कितने दिमाग से खेलती हैं, हिंदू धर्म को किस तरीके से बदनाम करती है कि एक सेंटेंस। आप लोग मूवियां देखते हो साहब, हम मूवियां नहीं देखते, पर ये जो चीजें गलत लगती हैं वो हम तक यदि कभी पहुंच गई तो हम उनका अर्थ करते हैं। फिर तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये जो सेंटेंस बोला गया इस मूवी में, किस मूवी का मुझे नहीं पता, लेकिन है किसी मूवी का। अब बताइए, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है रास की, इससे तुम्हारे भगवान बदनाम हो रहे हैं। क्या भगवान कैरेक्टर ढीला वाला काम कर रहे थे रास में? पर ये सेंटेंस तो यही सारा कर रहा है, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर। ये तो पूरा मीनिंग वही हुआ ना कि कैरेक्टर से मैच कर रही है चीजें, चरित्र से मैच कर रही है। हाँ या ना? देखिए कितना गलत अर्थ है कृष्ण भगवान की लीला का। पिक्चर बनाने वालों ने ये सब चीजें बनाई और उन्हीं को तुम लोग सुपर डुपर स्टार बनाए हो, और जो साधु संत तुम्हारी भलाई की बातें करते हैं उन्हें तुम पाखंडी कहते हो, उन्हें तुम कुछ कुछ कहते हो, साधु संतों को गालियां देते हो। जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, उन्हें तो आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। और जो साधु संत समाज के लिए सैकड़ों साल से तुम्हारे समाज में साधु संतों का योगदान रहा है, क्या स्वामी विवेकानंद जैसे साधु संत, रामकृष्ण परमहंस जैसे साधु संत, आद्य शंकराचार्य जी जैसे साधु संतों का यह देश नहीं रहा? क्या इस देश में इन संतों का कोई योगदान नहीं है? अरे रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास जी, आज भी समाज में दोहे बोले जाते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, क्या इन संतों का कोई योगदान नहीं है? उन संतों की वाणी के बिना तुम गूंगे हो, हाँ या ना? आज हम लोग आपस की वार्ता में भी दोहों का प्रयोग करते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया को, ये दोहों से हम लोगों की बातें चलती हैं, हाँ या ना? तो ये संतों की वाणियां हैं। अब आप कह रहे हैं जी संत तो खराब होते हैं और संतों को आपने बदनाम कर दिया। अरे भाई सारे कैसे खराब होते हैं, पर आज की टीवी मूवियां सारे संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। और संतों तक तो ठीक है, चलो भैया हमें गाली दे दो जितनी जी करे दे दो, पर भगवान को भी तुम गालियां देने लग गए। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो भगवान को गाली है। क्या भगवान ने वहां कोई कैरेक्टर ढीला वाला काम किया था रास में? तुम जानते हो रास क्या हुआ? पढ़े हो भागवत? पढ़ के देखो क्या लिखा है। अब बताओ, जब रास रचाया गया तो शंकर जी आए रास में, हाँ या ना? क्या कौन आए? जोर से आए, शंकर जी आए रास में। वो शंकर जी कौन है? जिन्होंने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। तीसरी आंख खुली, कौन जला? कौन जला? कामदेव जल के भस्म हो गया। जो शंकर जी कामदेव को जलाने वाले हैं, वो शंकर जी आते हैं कृष्ण कन्हैया से, बोलते हैं हे कन्हैया मुझे अपने से रास में सम्मिलित कर लो। अब बताओ क्या वो लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी? यदि कैरेक्टर ढीला की लीला थी तो फिर वहां शंकर जी क्या कर रहे थे? शंकर जी तो वो थे ना जिन्होंने कामदेव को, उन्हें तो कामदेव परेशान नहीं कर सकता ना। वो कह रहे हैं कन्हैया से हमें रास में सम्मिलित करो, मतलब ये कृष्ण की लीला तुम कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ रहे हो?
ये लीला क्या है? खग जाने खगही की भाषा, तोते की भाषा कौन जानता है, गाय की भाषा कौन जानता है, चींटी की भाषा चींटी, पशु की भाषा पशु, पक्षी की भाषा पक्षी, क्या भगवान की भाषा आप जान सकते हैं? अरे भाई, भगवान कृष्ण ने रास रचाया, किनके संग रचाया? गोपियों के संग। गोपियां कौन थी? शंकर जी भी गोपी बनकर आए। गोपियों का अर्थ वहां स्त्रियों से नहीं है, गोपी मतलब स्त्री नहीं। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव हैं, शंकर जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता, हनुमान जी का गोपी रूप में, वृंदावन में जितने देवी देवता हैं सब गोपी के रूप में पूजते हैं, हनुमान जी भी गोपी के रूप में यहां पर पूजते हैं, शंकर जी भी गोपी के रूप में, क्योंकि यहां तो देवता एक ही है, भगवान एक ही है, कृष्ण बाकी सब गोपी हैं, चाहे तुम हो चाहे हम हो। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव। गोपी क्या है? गोपी के भाव, गोपी प्रेम से भीगी हुई है, और आपसे कहा जाता है गोपी भाव में रहो, मतलब गोपियों की तरह। राधा रोती रही, कृष्ण कहां हो, कृष्ण कहां हो, सारी गोपियां रोती रही 100 साल तक कृष्ण के बिना, पर पराए पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जो कृष्ण के सिवा किसी को ना जाने वही गोपी भाव है, ये गोपी है। गोपी मतलब स्त्री नहीं। जैसे हमारे भारत में एक सम्मेलन हुआ अभी, हमारे यहां मोदी जी ने पूरे देशों के नेताओं को बुलाया और एक G20 मिलन हुआ। क्या था नाम? G20 था ना, G20 नाम दिया उस प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम में सारी दुनिया के नेता आए और एक दूसरे के गले मिले, खाए पिए, उठे बैठे बात की, साइन किया, कुछ लेन देन हुआ होगा, हाँ या ना? तो वो जो मिलन था उस मिलन का नाम क्या रखा गया था? जोर से G20 मिलन था ना, एक नेता से दूसरे नेता का क्या था? मिलन। जैसे उस मिलन का नाम था G20, उसी तरह कृष्ण और गोपियों का, भक्त और भगवान का जो मिलन था, उस मिलन का नाम था रास। उस मिलन का नाम क्या था? रास। रास कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं है। लेकिन अब किस किस को कहें साहब, कैसे समझाएं? समस्याएं ये है ना कि आप ही नहीं समझते चीजों को। जब आप नहीं समझेंगे तो आप समझा नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे तो आप गलत को सही मान लेंगे, आप भगवान का भी मजाक उड़ा लेते हैं। अब तुम करो तो राज श्री राम, करो तो करेक्टर, ये भगवान का मजाक ही तो है। पिक्चर बनाने वाले इतने दिमाग से काम करते हैं कि आप जब तक समझेंगे तब तक तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। आज सारे युवा हाथ से निकल गए, तुम्हारे सारे बच्चे शराब पी रहे हैं धड़ल्ले से, पराई लड़कियों के संग, पराए मर्दों के संग बढ़िया लिविन में सो रहे हैं, पढ़ाई का नाम दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जी, लिविन में रह रहे हैं। माँ बाप ज्यादा इंटरफियर करें तो सुनो, हम बड़े हो गई हैं, तुम इंटरफियर मत करो, हम कुछ भी करें, हम किसी के भी संग रहें, किसी के संग खाएं, किसी के संग आए, किसी के संग, तुम बोलने वाले कोई नहीं हो। जिस माँ बाप का बच्चों पर पूरा अधिकार हुआ करता था, आज उन माँ बाप का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं रह गया। जहां मन पड़ता है शादी कर लेती हैं, जब चाहे भाग जाती हैं, तुम माँ बाप मरो तो मर जाओ। ये सब कहां से आया? यही तो है, तुम करो तो राज श्री राम, करो तो कह, ये सब यही सेंटेंसों ने तो दिमाग में होल कर दिया, कचरा फैला दिया। यार देखो, भगवान जब ऐसा किए तो हम कैसा करें? एक लड़की मेरे से प्रश्न बोलती है, क्वेश्चन करती है, प्रश्नोत्तरी में बोली मेरे से एक लड़की, महाराज जी कृष्ण ने विवाह किया रुक्मणी जी से, हमने कहा प्रेम किया राधा जी से, तो हम भी किसी से विवाह करें, किसी से प्रेम करें तो आपको आपत्ति क्या है? अब देखो जरा आजकल के युवाओं की सोच देखो, ये पढ़े लिखे हैं, ये बातें, ये बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को जी, हम बहुत होशियार हैं, पंडित जी आप कुछ नहीं जानते, महाराज जी तुम तो मूर्ख हो,
हमारी माँ बाप तो वो अपने माँ बाप को मूर्ख मानते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत पढ़े लिखे, हाँ हम टाई लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, बैच लगाते हैं, कोट पहनते हैं, हाँ महंगे जूते पहनते हैं। ये टाई लगाने वालों, ये ठंडे देशों में टाई नहीं लगाया जाती थी, ये तो नाक पहुंचने के लिए रखा जाता था रूमाल। ये टाई वहां लगाई जाती थी जहां ठंडा प्रदेश देश था, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सब वहां नाक ठंडी में नाक बहती है तो वो टाई लगाते थे। और बाद में ये फैशन होगा, सब टाई लगा रहे हैं, तुम्हारी नाक भले नहीं बह रही पर भी टाई हो, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हो, वो कह रहे हो बड़े विद्वान है। भरी गर्मी में काला कलर का कोट पहन रहे हैं, इतना मोटा कोट, इतना मोटा पैंट, और तुम्हारे दादाजी धोती कुर्ता हल्का पतला बिल्कुल कॉटन का कपड़ा पहने हैं, तो तुम अपने दादा को मूर्ख समझ रहे हो, तो मूर्ख बुढ़ा कोई काम का नहीं। और तुम भरी गर्मी में जहां टेम्परेचर 45-50 है, अब बताइए टेम्परेचर 50 जहां हो वहां क्या पहनना सही है, मोटा कपड़ा कि पतला कपड़ा? तो मोटा पहनने वाला बेवकूफ है कि पतला पहनने वाला? और लो बड़े इंटेलिजेंट है वो। समझ रहे हैं? भारतीय पहनावा बहुत पीछे छूट गया, भारतीय रहन सहन खान पान सब छूट गया। आजकल के बच्चों को तिल के लड्डू अच्छे नहीं लगते, पिज्जा अच्छा लगता है। आज के बच्चों को गुजिया अच्छी नहीं लगती, बर्गर अच्छा लगता है। आज के बच्चों को सत्तू अच्छा नहीं लगता, सत्तू समझते हो? सत्तू क्या होता है? सत्तू मन मिठू, कब घोरू कब खाऊं, ये सतुआ होता ना, सतुआ। आजकल के बच्चों को सत्तू अच्छा नहीं लगता, मैगी अच्छी लगती है, मैगी। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चे मनमाने तरीके, देखो बच्चे हाथ से निकल गए, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुन रहे, किसकी देन है? तुमने गलत अर्थ किया, गलत बात समझाई, गलत बात जब कोई समझा रहा था तो आपने एक्शन नहीं लिया। सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है, सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है, लेकिन आज के बच्चे समझने को तैयार नहीं। आज की युवा पीढ़ी शराब पीने को वो बहुत, आजकल 10 लड़के में 9 लड़के शराब पी रहे हैं, और एक लड़का शराब नहीं पीता ना तो 9 लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो कुछ नहीं जानते शराब नहीं पी रहे हो, उसका मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो बुद्धू हो, तुम तो कुछ नहीं जानते। मतलब वो शराब पीने को सही ठहरा रहे हैं, औरों को प्रेरित कर रहे हैं, नहीं जो तुम भी पियो, ये चल रहा है ना जवानों में। अब सोचिए कि ये लोग कहां जाएंगे, क्या इनका भविष्य होगा? शराब पिएंगे तो जब ये शादी करेंगे तो अपनी पत्नी के साथ कितने दिन रहेंगे? ये तो वही सेटअप वाले हैं ना कि शादी करेंगे, साल दो साल रहेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, क्योंकि विदेशों में तो यही है, और यही बच्चे आज विदेशों का सब कुछ, पश्चिमी सभ्यता का सब लोग यहां देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत बड़ी हानि होने वाली है मेरी मां। अब तो अंतर जाति विवाह खूब हो रहे हैं, जिसको लड़की जो पसंद आ रही है, जिसको लड़का जो पसंद आ, कुछ भी तरीका पुराना रहा ही नहीं, पुरानी परंपराओं को आज के बच्चों ने सब स्वाहा कर दिया, बोले अब इसकी जरूरत नहीं है पुरानी परंपराओं को, अब सत्तू की जरूरत नहीं है, लड्डू की जरूरत नहीं है, अब तो मैगी पिज्जा से काम चल रहा है, अब तो शादी की जरूरत है ही नहीं, लिविन में काम चल रहा है, शादी की जरूरत नहीं, अब तो लिविन में काम चल रहा है। हाँ या ना? फिर अब शादी क्यों करेगा जब लिविन में काम चल ही रहा था। कुल मिला करके हमारी जो संस्कृति है, भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की, रास लीला, वो लीला चरित्र से नहीं, वो तो मिलन था, जैसे आपका और हमारा मिलन हो रहा है भागवत जी के माध्यम से, ऐसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ था रास के माध्यम से, उस लीला को रास कहते हैं, सिंपल। अब जैसे मीराबाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ज्वलंत दे दूं, मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में पूजती है,
अच्छा ये बताओ, आप में से कोई स्त्री कृष्ण को पति के रूप में पूजने लग जाए तो सही है कि गलत है? सही है। यदि कोई स्त्री कृष्ण को पति रूप में पूजती है तो भगवान को कोई किसी भी रूप में पूज सकता है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम। सर्वम कह दिया मतलब सब कुछ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। कोई पति रूप में भजे, कोई पुत्र रूप में भजे, कोई भाई के रूप में भजे, कोई जो आपका मन है, दुश्मन के रूप में भजो। शिशुपाल ने दुश्मन के रूप में ही भजा, द्रौपदी ने भाई के रूप में भजा, गोपियों ने पति, गोपियां किस रूप में भजती हैं? पति के रूप में। पतिम में कुरुते नमः, गोपियां किस रूप में भजती हैं भगवान को? और पति के रूप में गोपियां भजती हैं तो भगवान उनके पति बनकर उन्हें मिल जाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? वो अपनी पत्नियों के संग यदि नाच भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं, गा भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है? और सुनो, वैसे भगवान आप में से किस किस के पति भगवान है? आप में से किस किस के पति भगवान है? मैया आपके पति कौन है? रामलाल? महाराज जी हमारा पति तो रामलाल है, भगवान थोड़ी है। अच्छा बताओ, देखो आप माताएं कितनी कंफ्यूज रहती हो। मैया तुम झूठी हो, आप आपके कितने पति हैं? जिसके एक पति है वो हाथ उठाएं। कितने पति हैं कंफर्म कराओ फटाफट। जिसका एक पति है वो ईमानदार लोग हाथ उठा लें। एक पति किसका? अब नीचे करो हाथ। अब ये बताओ कि यदि आपके एक पति हैं, एक पति हैं आपके, क्या नाम है? वही है ना, मांग भरने वाले, मंगलसूत्र पहनाने वाले, वही। अब यदि देखो, अब देखो अब आप ध्यान से सुनना मेरी माँ, आपने कह दिया ना एक पति है, तो फिर दूसरा वाला ये कौन है जरा इसका नाम बताओ। हाँ तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। या तो आपकी ये बात झूठी है, या तो आपकी वो बात झूठी है कि आपका पति एक है। आपने कहा, हमने पूछा कि भगवान किस किस के पति हैं, तो आपने हाथ नहीं उठानी, भगवान हमारे पति थोड़ी हैं। अरे मेरी माँ, तुम्हें तो ये वाला पति शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो सबके पति हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलू श्री श्याम जी, तुमको मैं तुमते। जय जगदीश हरे। इसलिए पति सबके पति कौन? देखो आप लोग ना कहती हो मंदिरों में ज्यादा हे भगवान सबके प्राण, लेकिन मानती नहीं हो, नहीं। इसलिए आपकी कहनी करनी अंतर है, इसलिए तो गति नहीं हो रही है ना आप लोगों की, परेशान हो आप लोग, कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो। करनी और कथनी एक हो। भगवान हमारे सब कुछ हैं, और जो पति है आपका उस पति को भी परमेश्वर के रूप में ही देखा करो ना, कि वही पति भगवान है। पति पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार,
जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार, पति के बिना संसार अधूरा है। कैसे अधूरा है? बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना। जैसे माथा बिंदिया के बिना सोना है, जैसे मंदिर मूर्ति के बिना सोना है, ऐसे पति के बिना यह जीवन सोना है। तो आपका पति कौन? मेरा पति तो मेरा देवता है। मैया आपका पति कौन? भगवान। अभी तो कह रही थी नहीं, हमारा पति भगवान नहीं है। तो हम ही सब समझाए, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं समझाया, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं समझाया, सब हम ही समझाए। हाँ एक पति व्रत, नारी के कितने व्रत होते हैं? नारी के कितने व्रत होते हैं? एक। कौन सा व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में। अच्छा ये बताओ, आने वाले भारत में पतिव्रता स्त्रियां रह जाएंगी? जो शादी के पहले लिविन में रहती हो वो थोड़ी पतिव्रता कहलाएंगी। पतिव्रता नारी तो वही है जो स्वप्न में भी अपने पति के सिवा ना पहले ना बाद में, शादी के पहले और ना शादी के बाद, जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को ना देखती हो वो नारी पतिव्रता है। और आजकल तो स्कूल कॉलेज में नारियां पढ़ने कम जा रही हैं, लिविन में ज्यादा रहती हैं। अब ये कैसे बनेगी पतिव्रता? ये तो पहले ही पति के आने के पहले ही कितनों के साथ रह चुकी है, कितने बॉयफ्रेंड है, कितनों को आई लव यू जा चुका है। हाँ या ना? अब इनसे आप उम्मीद करोगे कि पतिव्रता? अब ये पतिव्रता परंपरा, हमारी भारत की माताएं तो बड़ी पतिव्रता होती हैं। अब ये पतिव्रता थोड़ा बच्चियों को बताया करो, बेटा आज तुम लड़की हो कल पत्नी बनोगी किसी की, तो जिस पति की पत्नी बनोगी उसके लिए कम से कम पतिव्रता तो रहो, पवित्र तो रहो। और पुरुषों को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पुरुष भी शादी विवाह के पहले इस लड़की उस लड़की के संग रह लेते हैं, संबंध में रह लेते हैं। अब तुम काहे के चरित्रवान, तुम तो चरित्रहीन हो गए। तुम जमाने से झूठ कितना भी बोल दो, क्या अपने आप से झूठ बोल पाओगे? इसलिए साहब जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पूजा चरित्र की है, राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? हमारे यहाँ चरित्र लिखा जाता है राम चरित्र मानस। राम जी का चरित्र लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, हमारे यहाँ चरित्र ही सुना जाता है। राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र, चरित्र ही सुनने योग्य है। अब जिसका चरित्र है ही नहीं, रावण चरित्र कोई नहीं सुनता, राम चरित्र सब सुनते हैं। हाँ एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, आप कोई व्रत मत करो भले, पर पति व्रता हो तो आप श्रेष्ठ हो। और सारे व्रत कर लो और पड़ोसी को ताक झांक करती रहो तो फिर आपके सारे व्रत व्यर्थ है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। हाँ इसलिए मेरी माँ बहुत अच्छे से गृहस्थी में रहना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। और पुरुषों को भी एक पत्नी व्रता होना चाहिए। किस किस पुरुषों की एक पत्नी है? पड़ोसन से कोई चक्कर नहीं है, किस किस पुरुषों का हाथ उठाओ।
हाँ सो रही है ये माँ, कोई मत जगाओ उन्हें, सो लेने दो माँ को, क्योंकि सोने आई है यहाँ। क्यों सो रही हो माँ, क्यों नहीं सुन रही हो कथा, क्या घर में बच्चे नहीं सोने देते हैं। तो भगवान का दिया हुआ जो रिश्ता है माँ का पिता का, पत्नी पति कैसे हो, राम जी कैसे पति थे, एक पत्नी व्रता थे या नहीं, राम एक पत्नी, यदि नारी पति व्रता होती है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, हाँ या ना। तो आप में से कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं, कृपया हाथ उठा के बताओ। और कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं जो अपने पति के सिवा बिल्कुल भी नहीं देखती किसी को, जो पत्नी व्रता हैं वो हाथ उठाएं। पतिव्रता कौन कौन है, पतिव्रता मैया, पतिव्रता आप नहीं हो क्या, हाथ का नहीं उठा रही हो, पति देख लेगा तो वह डांटेगा। मैया हमारे देश की नारियां पतिव्रता होती हैं, इसलिए आपको भी पतिव्रता होना चाहिए। और अपने पति को क्या मानना चाहिए, ये भगवान है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। इसलिए अपने रिश्तों में मस्त रहो, अपनी पत्नी अपने पति अपने परिवार में खुश रहो, खूब आनंद से रहो। घर गृहस्थी तब बिगड़ती है जब आप समय दूसरों को ज्यादा देते हैं, अपने परिवार को समय कम देते हैं। दूसरों की बात आप ज्यादा सुनते हैं, अपने परिवार की बात नहीं सुनते, तो झगड़े होते हैं। चलो एक बात बताओ, जब आपका आखिरी समय आएगा, सबके लिए बोल रहा हूं मैं अपने लिए भी, जब हमारा आखिरी समय आएगा और जब पूरा समय हमारा बीत चुका होगा, जिंदगी पूरी हो चुकी होगी और केवल एक मिनट रह जाएगा, तो आप उस एक मिनट में किसको याद करेंगे। क्यों मैया, आप जब जाओगी आखिरी समय तो एक मिनट जो बचेगा उस एक मिनट में अपने पति से कुछ कहोगे कि नहीं। चलो एक मिनट में भगवान से कुछ कह लेना, और एक मिनट और मिला पति से कुछ कहने के लिए, तो आप क्या बोलोगे अपने पति से, आखिरी मिनट, वो जीवन का आखिरी मिनट, उसके बाद आप चली जाओगे, क्या बोलोगे अपने पति से, क्या बोलोगे, राम राम बोलोगी। आपकी पत्नी है, क्या बोलोगी आप अपने पति से आखिरी आखिरी के एक मिनट में। हाँ आपसे ही, कोई आपके भूत से थोड़ी बोल रहे हैं, क्या बोलेंगी आप बोलो, कुछ सोचा नहीं महाराज जी, अभी सोच के रख लेना, वो आखिरी मिनट में सोचने का मौका थोड़ी मिलेगा। अरे हम देखो कितना भला काम कर रहे हैं, आखिरी मिनट में आपके पास समय नहीं होगा सोचने का, इसलिए वो आखिरी मिनट की बात अभी कर रहे हैं कि सोच के रख लो, जो कहना अभी कह दो, क्योंकि आखिरी मिनट में कोई कुछ कह ना पाएगा। आखिरी मैया आप क्या कहोगी अपने पति से आखिरी में, चलो बोला जाएगा तो क्या बोलोगी,
माना कि बोला राम राम बोलोगी राम राम अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ मैया आप क्या बोलोगी लाल मैया चल छोड़ो ये आपके बेटे हैं आपसे पूछ रहे हैं भैया दादाजी कितने बेटे हैं आपके एक क्या कहोगे अपने बेटे से आखिर जब आपका आखिरी समय आएगा ओनली एक मिनट उस एक मिनट में यदि आपको मौका मिला अपने बेटे से कुछ कहने का तो क्या कहोगे अब हम बताएं हाँ भक्तों ये भजन सुनने का है नाचने मत लग जाना ये आखिरी एक मिनट की बातें हैं इस पूरे भजन में एक मिनट की बातें होंगी आखिरी एक मिनट की भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को बुलावो आग्यो राम को ओ बुलावो आग्यो राम को भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को किसका बुलावा आया एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात बुलावा आ गया पिताजी का जब आपके पिताजी जाने लगे तो एक पिता ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बेटों से कहा बेटा मैं जा रहा हूँ एक बाप ने क्या बोला एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात बेटों से बोला भाई भाई तुम दोनों तुम भाई भाई प्रेम से रहना एक बाप तो यही चाहता है कि मेरे दोनों बच्चे प्रेम से रहें क्योंकि भाई भाई जब आपस में झगड़ा करते हैं ना तो माता पिता बहुत बोले भले कुछ ना पर बहुत दुखी होते हैं कि मेरी औलाद आपस में लड़ रही है और आप भाइयों से मेरी प्रार्थना है आपस में मिलजुल के रहो क्या फर्क पड़ता है कि गलती किसकी है गलती मेरे बड़े भाई की है कि गलती छोटे भाई की है गलती करने वाला मायने ना रखेगा गलती किसने की कौन जानता है पर सॉरी पहले किसने कहा यह बात मायने रखती है कि पहले कौन झुक करके अपने रिश्तों को बचाता है 100 रुपए गिर जाएं आपके तो उठाने के लिए झुकोगे कि नहीं उत्तर दो 100 रुपए गिर जाएं तो उठाने के लिए झुकोगे कि नहीं झुकेंगे ना तो जब भाई भाई का रिश्ता टूटता है और आपके झुकने से यदि रिश्ता बच जाता है तो झुक कर बचाते क्यों नहीं 100 रुपए की कीमत ज्यादा है या भाई के रिश्ते की कीमत ज्यादा है लेकिन आज का आदमी झुकता नहीं है 100 रुपए के लिए झुकेगा पर भाई भाई से लड़ाई होगी तो झुक कर सॉरी नहीं बोल सकता भले टूट जाए रिश्ते और ऐसे अकड़ में कितनों के रिश्ते टूट चुके हैं समस्या तो यह है कि आज रिश्तों की कीमत नहीं है साहब पैसों की कीमत भाई भाई पिता बोल रहा सुनो मेरी इच्छा है भाई भाई आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आपके भाई से आपका कोई बैर चल रहा हो तो आप सॉरी बोलना चलो कोई बात नहीं
प्यार से रह लो ना, लड़ झगड़ के रहने से क्या फायदा है। भाई भाई, आप में से कितने भाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और किन की लड़ाइयां चल रही हैं भाइयों की, जेठानी देवरानियों की, सॉरी बोल देना। सॉरी बोलने से आप बड़े होंगे, छोटे नहीं, हाँ या ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता मुर्दा है, जो जिंदा है वो अकड़ता नहीं है, झुकता है। इसलिए झुक के रिश्ते बचा सको तो समझदार कहलाओगे। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आगे नाम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आगे राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सासू माँ मरने लगी, बहू से कहती है, यमराज जी एक मिनट दो, बहू से कुछ कहूं। मैया आप अपनी बहू से क्या कहोगी आखिरी समय में, बताओ। बहू है कितनी, बहू है तो क्या कहोगी आप अपनी बहू से, क्या कहोगी मेरी माँ। सास बोली बहू से, बहू मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आगे राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आगे राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब इस परिवार की अखंडता को आप बनाए रखो, है ना मेरी माँ। सास अपनी बहू से कहती है कि ये परिवार टूटने ना पावे, तुम देवरानी जिठानी बहुत लड़ती हो, एक दूसरे का बिल्कुल सुहाता ही नहीं है। अरे भाई अपनों से क्या लड़ना है, और लड़के तुम्हें क्या मिल जाएगा, किसी से घृणा क्यों, सबसे प्रेम। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम करना है झगड़ा नहीं, झगड़ा करने वाला बड़ा होता है या प्रेम करने वाला। इसलिए जेठानी, आप लोगों का जेठानी से बोलचाल है, देवरानी से आपका, मैया नहीं है आपका जेठानी से बोलचाल नहीं है। अच्छा जेठानी मरेगी तो जाओगे कि नहीं, उसके मरने पर तो जाओगी ना, पूछ रहे हैं हम, पर मरने में भी नहीं जाओगी, बड़ी निर्दयी मैया हो। देखो तुम्हारी जेठानी तुमसे नहीं बोलती, अच्छा है, पर तुम तो बोलो। आप दो शब्द बोल देंगे तो क्या घट जाएगा आपका। माना कि गलती उसकी है, फिर भी आप समझदार कहलाएंगे यदि आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए पहल करेंगे तो। क्योंकि जब हमारे यहां कोई मर जाता है ना, तब लोग जाते हैं। जैसे तुम्हारी जिठानी मरेगी तो आपको जाना पड़ेगा, तो मरने पे तो दुश्मन भी आता है, मरने पे गए तो क्या गए। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तब आओ मिलो, बातें करो, बैठो। मरने के बाद आए तो क्या हम बात कर पाएंगे आपसे। इसलिए आप हमसे बोले ना बोले, हम तो आपसे बोलेंगे, भैया राम राम, बहन राम राम। माना कि गलती किसी की, चलो अच्छा सॉरी, हमारी गलती, हमें माफ कर दो। प्यार से रहो, एक गले मिलके रहो। और हमें आपको अपनी जिठानी से कोई दौलत थोड़ी चाहिए, और ना तो आपकी जिठानी को आपसे चाहिए, केवल प्यार। वो ना बोले, वो ना देखे आपकी ओर, आप, क्योंकि ईश्वर को जवाब आपको देना पड़ेगा कि तुम क्यों इंसानों से नफरत करते रहे, क्या मिला। इतने दिन तुमने बोलचाल नहीं रखी, नफरत रखी, तो क्या पा गए, कौन से धन्ना सेठ बन गए।
इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, वो सॉरी बोले, वो हमारे पास आए, वो झुके ना, कोई बात नहीं, भाई का रिश्ता है। मैं ये नहीं बोलता तुम पड़ोसियों के घर जाओ, पर परिवार में भाई भाई का रिश्ता तो बना रहे, जेठानी देवरानी का संबंध तो बना रहे, क्योंकि तुम्हारे इस रिश्ते से तुम्हारे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ बड़ी माँ से लड़ रही है, उसके प्रति गलत ख्याल, गलत विचार, ईर्ष्या, द्वेष, बच्चे तो समझ में आ ही जाता बच्चों को। बच्चों का जीवन ना बिगड़े और जीवन आना, मैया मैं मर जाऊंगा फिर रखी रह जाएगी ना बुराई, इसलिए एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। हाँ एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। पति से भी बातें कर लो, सबसे बात कर लो, सबसे मिल लो, सॉरी सॉरी, ये जो सॉरी है ना बहुत अच्छा लगता है हमें, क्षमा, हमें क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई। बहुत सारी बातें ना खत्म हो जाती है सॉरी से, बहुत सारा विवाद खत्म हो जाता है एक सॉरी से, एक क्षमा से, क्यों जी हो जाता है? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत दम है सॉरी में, क्षमा, हमें क्षमा कीजिए, मैया हमसे गलती हो गई, भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। सॉरी ना बोलने से आपकी लड़ाइयां सालों तक चलती हैं, और सॉरी बोल देने से चुटकियों में खत्म, कोई बात नहीं थी, जरा सी बात। हमें लड़ने से मिल क्या जाना है, इसलिए हम किसी से नहीं लड़ते भैया, हम सबको गले लगाने की बात करते हैं, और हम कोई हमें दुश्मन माने तो माने, हम कभी अपने मन से किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, सब हमारे हैं, सबको गले लगाना सबसे गलती, हम तो देखो सबके चरण ही पकड़ते हैं। आपने देखा ना देखा, हम कहीं भी जाते हैं सबको, छोटा हो बड़ा हो, हम सबके चरण ही पकड़ते हैं, सबके चरणों में ही बैठने की कोशिश करते हैं। हम माताओं के कमरे में भी जाते हैं, माताओं से मिलने तो उनके पांव पकड़ के ही बैठते हैं, गुरुजनों से मिलने जाते हैं तो उनके भी पांव पकड़ के बैठते हैं, वो तो आपसे हमारा मौका नहीं मिलता, नहीं तो हम आपके भी चरण पकड़ के बैठे हैं आप सबके। हमें कोई शर्म नहीं आती चरण पकड़ने में, पांव पकड़ने में हमें कोई लाज नहीं है, शर्म नहीं है, छोटा बनने में हमें कोई लाज नहीं, हम 100 सॉरी बोलने को तैयार हैं, 1,00,000 बार तुमसे माफी मांगने को तैयार हैं। यदि हमारे माफी मांगने से हमारे तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं, तुम्हारे मन में प्रसन्नता होती है, तो हमें 1,00,000 बोलने को तैयार, 1,00,000 सॉरी बोलेंगे। हम आपका दिल दुखाएं उससे हमारे क्या मिलना है, यदि हमारे सॉरी कहने से आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। क्या कहती हो मैया, मैया ओ मैया क्या बोलती तू, हाँ एक मिनट की मोहलत दे दो। तो अब जेठानी से बोलेंगे ना, जाते ही बोलना सॉरी शक्तिमान। अच्छा बहरी है, चुनती नहीं है, दूर रहती है तो फोन लगा लेना। सॉरी ना बोलने के बहाने बहुत हैं, पर बोलने के भी बहाने हैं। मैया आपकी इस जेठानी से चलती है ठीक ठीक कि कट्टी है? आप हाँ, जेठानी छोटी है आपकी, देवरानी है? अच्छा आप ही जेठानी हो तो देवरानी से बनती है आपकी, झगड़ा तो नहीं करती हो? झगड़ा नहीं करना, बड़ी हो ना तो छोटी गलती करे तो उसको माफ कर दिया करो बिना सॉरी बोले, और तुम छोटी हो तो बड़ी से माफी मांग लो, बड़े हो तो माफ कर दो और छोटे हो तो माफी मांग लो, देखो कितनी बढ़िया बात है। बड़े हो तो उत्तर, बड़े हो तो, बड़े हो तो जोर से मेरी माँ,
बड़े हो तो और छोटे हो तो माफी मांग लो। पत्नी बोली यमराज जी एक मिनट दो, यमराज जी से कुछ बोल रही है कि यमराज जी एक पति से कुछ कहना है क्या? एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। आप लोग बात कर लो अपने अपने पति से आखिरी मिनट, इसके बाद पता नहीं क्या बात करोगी मैया आप। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। पति देवता सुनो, पत्नी बोली रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलाओ आ जाओ राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलाओ आ जाओ राम को। पत्नी बोली पति से के बस मेरी मांग, क्योंकि पत्नियां चाहती हैं कि मैं सुहागन मरूं। मेरा पति मेरी मांग, इसलिए पतियों को भी चाहिए आप लोग ना केवल शादी में ही एक बार मांग भरते हो अपनी पत्नियों की। अरे कभी पत्नी सिंगार कर रही हो तो आप चले जाया करो और आप कहो आज मैं तेरी मांग भरूंगा, तो आप हर 15 दिन में 10 दिन में है ना। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, यदि फैक्ट्री बिजनेस व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करते हैं तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ प्रयास चाहिए, कुछ पहल चाहिए। आजकल लोग सारा प्रयास केवल पैसे के लिए करते हैं, रिश्तों के लिए कोई प्रयास नहीं है। आप में से कितनों के पति आपकी मांग भरते रहते हैं आए दिन, 15 दिन 20 दिन में महीने में? किसी के पति भरते हैं कि शादी बस में भरे थे बस? क्यों, एक बार शादी बस में भरी उसके बाद छुट्टी, फिर कभी नहीं? आप भरते हैं नहीं? आप भरते हो नहीं? एक बार बस भरी है? हाँ। बच्चे कितने हैं? मांग भरा करो। आप मांग भरते हैं अपनी पत्नी की नहीं? एक बार बस भरी है मंडप के नीचे, दोबारा नहीं? कभी जाओ पत्नी के लिए। आप लोग सब कुछ लाते हो ना पत्नियों के लिए, कभी सिंदूर भी लेकर जाया करो। और पत्नी को सिंदूर अपने हाथ से उसकी मांग भरा करो, तुम्हारी मांग आज हम भरेंगे। हाँ, ये रिश्तों को बेहतर बनाने की एक छोटी सी पहल है ताकि आपके रिश्ते प्यार के बंधन में बंधे रहें। प्यार की जंजीरें चाहिए, हाँ या ना? पैसा बहुत है पर प्रेम नहीं है ना, तो पैसा सुख ना देगा, प्रेम सुख देता है, हाँ या ना? पैसा सुख देता है कि प्रेम? जोर से, प्रेम सुख देता है साहब, पैसा दे ना दे वो अलग विषय। पैसे से बहुत महंगा गद्दा खरीद सकते हो पर उस प्रेम, पैसे से बहुत महंगा पलंग खरीद सकते हो पर प्रेम करने वाली पत्नी और प्रेम करने वाला पति पैसे से थोड़ी मिलता है। पैसे से बढ़िया 56 भोग खरीद सकते हो, पैसे से बड़ी बड़ी होटलों में 5-स्टार होटलों में जाकर 56 भोग खरीद सकते हो, पर मां के हाथों का ना वो प्रेम की, पत्नी के हाथों का वो प्रेम का जो खाना पीना है वो प्रेम प्रेम है मेरी मां, प्रेम भूलते चले जा रहे हैं लोग, केवल हाय पैसा। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात।
हाँ एक मिनट की मोहलत दे दो करो कन्हैया से बात। कन्हैया से बात कर लो जल्दी जल्दी, एक मिनट में कौन कौन करेगा, क्या बात करनी है करो, क्या बात करोगे आप। हाँ कन्हैया सुन रहे हो ना तुम जो कह रहा हूं मैं। ए गोविंद यमराज जी से कहता हूं, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आ गयो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आ गयो राम को। बुलावो आ गयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है सहदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है सहदेश, बुलावो आ गयो राम को। इसलिए बुलावा आया ना तो चलो, लेकिन अच्छा करके जाना। अपनी माँ की सेवा कर लो, माँ मर जाए तो रोना मत, जब माँ जिंदा है ना तो माँ की सेवा करो, प्यार करो। और मरने के बाद रोना तो देखो औपचारिकता है, रोने से कोई फायदा नहीं है। बाप मर जाए तो रोना जरूरी नहीं है, बाप जिंदा है तब सेवा करो। पत्नी जिंदा है, पत्नी से प्रेम करो, प्रेम से रहो, है ना। मर जाएगी तो रोना बड़ी बात नहीं है, पति है तो पति का ख्याल रखो, उसकी सेवा करो। मर जाएगा तो रोना को बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग रोते हैं और रोएंगे ही, तो रोना मेरे हिसाब से रोना सही नहीं है। हम आपके साथ हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे से रहें, अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रेम से हम आपसे। इसलिए ये दास अनिर देखो, आप लोग ना बुढ़ापे के लिए बैठे रहते हैं तभी करेंगे सब काम। हमने अपनी इस उम्र में ही सारा काम करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने अपने वृंदावन आए, आप लोग ना तो इतना बड़ा बड़ा झोला लेके आए, आप लोग लड्डू ले आए, ये ले आए, गुजिया ले आए, रास्ते पता नहीं वहां खाने मिलता है कि नहीं, तो चलो बांधे ले चलो, इतना बांध बांध के आप लोग लाए हैं कि अभी बहुत सारा तो रखा है, खवाई नहीं है ना। तो आप लोग जब सोचो सात दिन के लिए आए, इतना बांध कर लाए, तो जहां हमेशा के लिए जाओगे वहां के लिए कुछ ले जाओगे बांध के, हाँ या ना? नहीं ले जाना मेरी माँ। आप लोग अपनी कोई तैयारी किए कि नहीं मरने की? नहीं तैयारी हुई? हम तो अपनी तैयारी में लग गए, अपने मरने की तैयारी में, रोज सवेरे जागते ही सेवा में लग जाते हैं। यही तो मरने की तैयारी है, क्योंकि यही सेवा काम आएगी वहां, यही पुण्य काम आएगा वहां। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं, ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कहता है कि सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संतों की सेवा होती है, भरपेट भोजन मिलता है सबको, खूब बढ़िया सेवा है, खूब बढ़िया आनंद से हमारी हमारे साधु संत आते हैं, प्रसाद पाते हैं। आपसे बस यही प्रार्थना, बांध कर कोई कुछ ना ले जाएगा, तैयारी में लगो, जो पुण्य करोगे वो संग चलेगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा, जो दान पुण्य किया वही साथ जाएगा। इसलिए थोड़ा जो संग जाए उसके लिए प्रयासरत रहा करो, अन्न दान किया करो। बेटी का जन्मदिन आवे, बेटे का जन्मदिन आवे, शादी की सालगिरह आवे, तो ये अन्न क्षेत्र बंटवाओ, संतों को भोजन, गौरी गोपाल भगवान की सेवा से जुड़ो। यहाँ रसोई सेवा चलती है, कोई भी आए सबको भरपेट भोजन मिलता।
25 से 30 हजार लोग भरपेट भोजन नित्य पाते हैं। आप भी भोजन में, रसोई सेवा में आप भी जुड़िए, आप भी दीजिए एक दिन की सेवा, आप अपनी ओर से रसोई की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। यहां पर गायों की सेवा, गौ माता का दान, गौ सेवा, गायों को भूसा खली चोकर, गौचर भूमि के लिए 1 गज 2 गज 5 गज भूमि भी आप दे सकते हैं। आप देने के योग्य हैं तो दीजिएगा। साथ ही आप लोग गौरी गोपाल संत निवास, जो संत लोग यहां भोजन करते हैं, अभी उनके रहने की व्यवस्था कहीं नहीं, बेचारे कोई फुटपाथ पर सोता है, कोई किसी के घर के बाहर सोता है। संत लोग देखिए, भजन करने वाले साधु, आजकल लोगों ने कुत्तों के लिए तो बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, पर जो भजन करने वाले साधु संत हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। हम चाह रहे हैं कि एक संत निवास बनाएं जहां संत बड़े आनंद से भजन पूजन कर सकें, वहीं खाएं पिए भजन करें अपना। सब तो छोड़ चुके हैं बेचारे भजन के, तो हम उनका, हम भक्ति नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो भक्ति करने वाले साधु संत हैं उनका सहयोग करें। तो आप भी संतों के, संत निवास के लिए 1 गज भूमि दीजिए ताकि आपकी दी गई भूमि में संत निवास बने और फिर संतों की सेवा हो। तो आप भी 1 गज 2 गज 5 गज भूमि दान कर सकते हैं संतों के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम जो सेवाएं हो रही हैं, माताओं की सेवा, 275 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में, सारी माताओं की यहाँ रहना खाना पूरी व्यवस्था। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखा, वृद्ध माओं को, रण क्षेत्र की सेवा को कितने लोगों ने आंखों से देखा? जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं, 275 माताएं हैं, आप यहां से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके, यहां भी माताएं रहती हैं लगभग 100 के लगभग, गौरी गोपाल आश्रम में भी सामने माताएं रहती हैं, टोटल 275 कुछ माताएं सामने वाले आश्रम में, कुछ माताएं यहाँ। आप यहाँ भी माताओं का दर्शन कर सकते हैं, यही सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी से जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं माताओं के, यहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। उस वाले आश्रम की माताओं को तो आपने देखा होगा, इस वाले आश्रम की माताओं को आपने नहीं देखा होगा, देखिएगा, दर्शन कीजिएगा। इन माओं का सहारा बनने योग्य हो तो बनो। गौरी गोपाल आश्रम में जो माची के काम आ जाएं, इससे बड़ी इंसानियत क्या है? हम तो सिर्फ अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं भक्तों, किसी को गले लगाकर, किसी को भोजन देकर। आप भी इन माओं को भोजन दीजिएगा, आप भी इन माओं का सहारा बनिएगा। यदि लायक हैं तो आप भी इन माओं की सेवा, एक माओं के लिए अभी आश्रम बन रहा है, आप भी आश्रम के निर्माण में वृद्ध माओं को एक कमरा बनवा, एक ईंट का सहयोग करिए, एक ईंट दीजिए, 100 ईंट दीजिए, 1000 ईंट दीजिए, 1 बोरी सीमेंट दीजिए, 4 बोरी, 100 बोरी दीजिए। एक माँ को कमरा बनवा कर, वृद्ध माओ को एक कमरा दीजिए, कमरे की छत दीजिए, एक माँ को गोद लीजिए, रोटी दीजिए, माओ को भोजन दीजिए कि आज हमारी ओर से माओ को भोजन, माओ को दवाइयाँ दीजिए, इलाज के लिए सहयोग कीजिए, माओ के लिए जो बन पड़े कीजिए। ये माँ आपकी माँ है, हम सबकी माँ है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है भक्तों। किसी के दर्द को दूर करना सबसे बड़ा धर्म है। जब आप किसी की पीड़ा दूर करते हैं तो भगवान आपकी पीड़ा दूर करते हैं, जब आप किसी की आंखों के आंसू पहुंचते हैं तो भगवान आपकी आंखों के आंसू पहुंचते हैं। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है, आप जैसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि आप सबकी झोलियां सदा भरी रहें, जो आपने दिया भगवान कई गुना करके वापस करें आपको। बड़ी सुंदर पावन कथा सतगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूज्य सतगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर पावन कथा के साथ में सेवाओं के दर्शन करते हुए उन सेवाओं से जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। वास्तव में ये हमारे पुण्य ही है जो हमें श्रीधाम वृंदावन तक लाए हैं और इन पावन सेवाओं से जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त करवा पा रहे हैं। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इन दानवीर महापुरुषों की तरह अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं, पावन सेवाओं से जोड़े। जैसे श्री गीत शंकर जी चेन्नई से आपने सभी सेवाओं के लिए 79,000 रुपए का योगदान दिया है, एक बार जोरदार तालियां गीत शंकर जी के लिए। चेन्नई से आप जुड़े और सभी सेवाएं, जितनी भी सेवा यहां चलती है, उन सभी सेवाओं में आपने सहभागिता निभाते हुए पुण्य कमाया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र गौर अलवराइसान से आपने माओ की सेवा के लिए जो आश्रम बन रहा है उसमें एक कमरे की छत के लिए आपने 50,000 रुपए का योगदान दिया है, एक बार जोरदार तालियां सुभाष चंद्र गौर के लिए अलवराइसान से आप जुड़ रहे हैं। वहीं विवेक कुमार जी बेंगलुरु से, कर्नाटक से गौ सेवा के लिए, गौदान की पावन सेवा के लिए
25,000 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई शरीन देव की देवी नैनीताल उत्तराखंड से आप 21,000 रुपए देते हुए एक माह का आजीवन सहारा बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप सिंह शेराबाद आप 25,000 रुपए दिल्ली से, राजीव मंगल शाह जी 11,000 रुपए, लक्ष्मी यादव जी आप उदयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, पूनम जी खन्ना मुंबई से 11,000 रुपए, चंद्र प्रकाश शर्मा दिल्ली से 11,000 रुपए, हरमेश चंद्र डोंगरा मोहाली पंजाब से आप भी 11,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नरेंद्र कुमारी सिरसा से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र बांसियों बीमा देवी दिल्ली से आप 11,000 रुपए, रामदेव कुमार जी मेहता शिला देवी शादी के सालगिरह उपलक्ष्य में 11,000 रुपए योगदान आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब प्रसाद जी गुप्ता आप शिला जी गुप्ता आप कटनी से 5,000 रुपए दे रहे हैं, अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए, साथ ही 3,000 रुपए और आपने दिए हैं अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए, और इसी श्रेणी में 2100 रुपए आपने गौ माताओं की सेवा के लिए प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवा से जोड़ा, पुण्य लाभ अर्जित किया, ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ इस दिव्य प्रांगण में सीधा वृंदावन की पावन धरा पर विराजमान है, और जो लोग घर बैठे संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से पावन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं और यहाँ सीधा वृंदावन में चल रही इन पावन सेवाओं से जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए उन माओं का सहारा बनेंगे जो माए आज हमारे परिवार में है। 275 माओं में से किसी एक माँ का अगर आप सहारा बन सकते हैं तो सहारा बने। मात्र 21,000 रुपए के योगदान से किसी एक माँ का सहारा बनते हुए आप इस गौरी गोपाल आश्रम परिवार के सदस्य बन जाएंगे, पुण्य और आशीर्वाद से भी जोड़ लेंगे अपने आप को। इसी श्रेणी में गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र 52 सेवा के लिए 11,000 रुपए देते हुए हजारों संतों की सेवा आप करते हैं, साथ ही एक दिन के संपूर्ण रसोई की 52 सेवा मात्र और मात्र 31,000 रुपए के योगदान से करते हुए हजारों लोगों को आप अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से प्रसादी बबातो है जोड़ सकते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए काउंटर यही लगा है, अथवा आप आश्रम में जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं, और जो लोग घर बैठे अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए सीधा वृंदावन में चल रही इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड देखा जाता है ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। इसी के साथ में आइए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एक विशेष सूचना के साथ में। 27 मार्च से 2 अप्रैल भागवत जी के बड़े सुंदर पोथी पाठ सीधा वृंदावन में बैठ रहे हैं, जिनसे जुड़कर आप भागवत जी का पाठ यहां करा सकते हैं अपने नाम से, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितर के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ आप बिठा सकते हैं। अब आइए चलेंगे शेष पावन मंगल में कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। भगवान गोपियों के संग अब रास रचाने लग गए। गोपियों ने कहा, आपके सिवा हमारा कौन है? रास मतलब मिलन। भगवान ने रास रचाए, गोपियों को अभिमान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं, भगवान छोड़कर चले गए। बाद में गोपी गीत गाया गोपियों ने, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा, अधिकम जयति जन्मना प्रजा, हे गोविंद जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ आपकी जय जयकार अधिक हो गई। गोपियों ने कहा, हे प्रभु हम आपके बिना नहीं जी पाएंगी, तब कथामृतम कथा रूपी अमृत पान कर रखा, वरना कब की मर जाती। अंत में जब भगवान ने उनके प्रेम को देखा तो तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर हस्त्रगवी साक्षान मन मथ मन मथा। भगवान गोपियों के संग महारास रचाए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर, और भगवान ने दिव्य लीला की। आज भी ठाकुर जी की नित्य लीला है। वरुण लोक फिर इसके बाद भगवान सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार करते, अरिष्टासुर का केसी व्योमासुर को मारते, अक्रूर जी भगवान को लेने आते। भगवान गोपियों को 2 दिन का कह के चले जाते, 2 दिन बाद में आऊंगा। इसके बाद धोबी पर कृपा दर्जी सुदामा नाम के माली, कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, कंस को मारा, कुबल्यापिड़ नाम के हाथी को, कंस को चाणूर मुष्टि को, कंस इत्यादि सबको, दुष्ट दैत्यों को मारकर भगवान ने कंस के भाइयों को भी मारा, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया भगवान ने, और नंद बाबा वापस गए वृंदावन आए, यशोदा माँ को समझाए, भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, देवकी वसुदेव को भगवान ने जेल से मुक्त किया। 64 दिन में पढ़कर 64 कलाएं जब आए, उद्धव जी को वृंदावन भेजे, उद्धव चरित्र कल हम विस्तार से, ये सारी कथाएं विस्तार से कल आपको सुनाएंगे ही, तो ये सब जो सूक्ष्म में आपको सुनाए ये सब विस्तार से कल सुनाएंगे। अब भगवान बड़े प्रेम से उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर आए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया भगवान से, काल यवन के
मृत्यु मुचकुंद के हाथों ही 18वीं बार भगवान जरासंध के युद्ध से भागे, नाम पड़ा रणछोड़, द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलराम जी का विवाह माता रेवती से, कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी माँ, ये पूजा करने रुक्मणी माँ आई, प्रेम पत्र लिखकर भेजा भगवान से, कहा कि प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरतोऽङ्गितापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपम् मे। पूजा कर रही है कात्यायनी माँ की, पर पति रूप में कृष्ण को चाहती हैं। भगवान ने पंडित जी का पत्र सुना, दौड़ पड़े, दारू को तैयार किया, वायु के वेग से रुक्मणी माँ का हाथ पकड़कर भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। बलराम जी ने रुक्मी ने रास्ता रोका भगवान का, बलराम जी ने रुक्मी को समझाया, भगवान द्वारिका पहुंचे, विवाह संपन्न किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दूसरे को वरमाला पहना के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला यतनो हरि। अब विवाह का एक बार उत्सव, हमारे यजमान जी भगवान का पूजन करेंगे, फिर आरती का आनंद। जो टीवी पे कथा कट जाए तो आप अपने मोबाइल पर सुनिएगा। 27 तारीख से भागवत जी के पाठ यहाँ बैठेंगे। आप अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालिए, यदि कथा टीवी से कट जाए तो मोबाइल पर आगे का आनंद आरती का लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ये परिवार 1,35,00,000 लोगों का होने जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद प्यार मिला। आइए भगवान का उत्सव मनाएं। हो हो आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए आरती कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ॐ मम चन्द्रमा मन स्वर्जात् चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्ने राजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती सागर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूरती तहरों में गिर घर तेरी आरती जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूरती तहरों में गिर धर तेरी आरती तो प्राण जा जिसने तेरा नाम लिया उसके जग भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती मैं बसा कर तेरी मूरती तहरों में गिर धर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूरती तहरों में गिर घर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूरते तहरों में गिर घर तेरी आरती कर्पूर गारम गर्णावतारम संसार सारम मृगेन्द्रहारम गजार सर्व मर्यार विन्दे भवम भवानी सतम नमामि मंदार माला गंगाधराय जपाल माला शेखराय दिव्यम बनाय जगदम बनाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माधव त्वमेव त्वमेव बलभो दुष्टा त्वमेव त्वमेव विद्यादमनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदे गरुर ब्रह्मा गरुर विष्णु गरुर देव महेश्वर गरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदर वासुदेवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं वदे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे घटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा घटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा भजन विराल तरस रहे आजा गोपाल बरस रहे ना तरस रहे ना 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 बरस रहे ना आजा गोपाल तरस रहे ना आजा गोपाल तरस कृष्ण पूर्वे सांध्या हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तु प्रचोदयात् सेवन्दिगामकुल चम्पकपाटलाभ जरपुन्ना गजातकरवीरसाल पुष्पैर्विलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म्यादत्त गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बलवृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अयोध्या धाम की चित्रकूट धाम की हरिद्वार धाम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जिनको भी मिलना है यहाँ भी मिल सकते हैं आप गौरी गोपाल मंदिर में मिलेंगे सबसे आप वहां भी मिल सकते हैं यहाँ भी मिल सके यहाँ भी आ सकते हैं और मंदिर में जिनको मिलना अंदर गौरी गोपाल मंदिर वहां भी मिल सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के करो चरण में सी सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम